hello everybody so i'm here again i'm here with the uh, second class for ca uh, intermediate indirect taxation in this class we are going to cover second chapter of the study material which is supply under gst so let us start with this interesting chapter okay so supply under gst uh, let me tell you this is the first chapter where you will understand the technical words of taxation of gst act and uh, after this class i hope that you will feel that you are a person who understand tax who can understand the language of taxation so let us start this very adventurous journey of today's class i hope you all will enjoy this class okay so in the first class we have seen that constitution has been amended now from 1st of july 2017 gst is applicable all the other act all the other law of taxation has gone i'm talking about indirect tax right so now it's only gst or i would say mainly gst which will be charged on charge to collect taxes now the question is the first question i have gst has to be charged and collected but on what on what you will collect gst and at what time what is the taxable event at what time you will collect this then my next question on what value gst will be calculated whether it is the value uh, which you are paying or you are receiving then the next question is what rate done everything is fine now you have decided when you have to collect tax on what you have to collect tax on what you have to charge tax and what value should be considered, but the question comes at what rate you have to collect it, then who will pay tax to the government whether you, me, uh, the shopkeeper, the manufacturer who will pay tax to the government and when the tax will be paid. So, all these questions are there. So, in uh, uh, subsequent chapters and also in this uh, class, we will understand. and we will try to answer these questions. so uh, let's move ahead. अभी अपना क्या है कि हम लोग जो सप्लाई जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इस क्लास में सो so बेसिकली जो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसका आंसर हमें मिलने वाला है वो क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो किस पे चार्ज और कलेक्ट होगा एंड क्या टैक्सेबल इवेंट होगा है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चार्ज करना है GST को सो क्वेश्चन इज जी एस टी इन वॉट ऑन गुड्स ऑन सर्विसेस और एनी अदर थिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन टू चार्ज जब आप सेल करते हैं जब आप परचेज करते हैं जब आप कुछ बोरो करते हैं जब आप कुछ लेंड कुछ बोरो करते, करते हैं या कोई कंप कोई बैंक कुछ लेंड करती है या आप अपने घर को रेंट पे देते हैं या फिर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इस पर जी लगेगा सो so, कब क्या लगेगा ये सारे चीज़ों को हम लोग अभी सप्लाई में में डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत डिटेल इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, बिकॉज़ फ्लेवर ऑफ टैक्सन यू आर गोइंग टू गेट द प्रोविजन टैक्स में कैसे वर्डेड होता है वो सब हम लोग देखेंगे सो यस आंसर इज जी एस टी इज ऑन सप्लाई फाइन नाउ सेक्शन सेवन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये एक्ट का वर्डिंग है हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो मेन एक्ट है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है बाकी अपने पास सारे स्टेट्स के स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है बेसिकली वो क्या है वो रिप्लिका ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट को सी सी मीन सेंट्रल एंड जी एस टी मीन गोशन सर्विसेज टैक्स तो सेंट्रल गोशन सर्विसज टैक्स को हम लोग सी जी एस टी करके रेफर करेंगे एंड सी ए इंटरमीडिएट लेवल पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे अपना जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सी जी एस टी एक्ट पे ही होगा उसके बियउंड हम लोग नहीं जाएंगे कहीं कहीं पे आई जी एस टी एक्ट में जाएंगे बट मैंने जैसा बोला सी जी एस टी एक्ट क्या है वो मदर एक्ट है बाकी एस जी एस टी तो रिप्लिका है कम्प्लीट हर एक स्टेट के जो एस जी एस टी एक्ट है वो सी जी एस टी एक्ट के रिप्लिका है जो सी जी एस टी एक्ट में लिखा हुआ है सेम लाइन एस जी एक्ट एस जी एस टी एक्ट में लिखा हुआ है कहीं कहीं पे एकदम माइनर चेंजेज है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आई भी सेम लाइन में कुछ प्रोविजन्स तो आई के दिए हुए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव प्रोविजन है उसके बाद क्या हुआ कि उसने सीधे आई में भी लिखा हुआ है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन सी एक्ट में लिखा हुआ है सेम फॉलो होगा आई में भी सो मदर ऑफ ऑल दी एक्ट एंडर जी एस टी सेंट्रल गोशन सर्विसेज टैक्स एक्ट एंड आवर कंप्लीट फोकस विल बी ओनली ऑन सेंट्रल गोशन सर्विसेज टैक्स एक्ट तो चलिए हम लोग वापस आते हैं सप्लाई पे तो आज पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ सप्लाई समझने वाले हैं ये बहुत ही फंडामेंटल है जीएसटी का ये अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए जीएसटी में आपने बहुत कुछ समझ लिया एंड आगे जो भी क्लासेस होंगे उसको समझने में बहुत ही आपको आसानी होगी बहुत ईजी आप समझ पाएंगे ये बेस है ये ये जो सप्लाई वर्ड है ये बेस है जीएसटी में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आ, एक बार गो थ्रू एक बार सिंपल रीडिंग लगाते हैं जो प्रोविजन जो सेक्शन में लिखा हुआ है जो एक्ट में लिखा हुआ है सप्लाई के बारे में सिंपल रीडिंग लगाएंगे उसके बाद हम लोग वन बाय वन इसको समझेंगे राइट सो स्कोप ऑफ सप्लाई सेवन वन सेवन को सेक्शन कहते हैं सेक्शन सेवन जो ब्रैकेट में है उसको सेक्शन कहते हैं सो सेक्शन सेवन सेक्शन वन और आप ऐसे भी कह सकते हैं Section seven one. For the purpose of this act, for the purpose of this act, the expression "supply" includes a all form of supply of goods or services or both, such as sales, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal, made or agreed to be made. have made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or in the course or furtherance of business b import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business and the activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration डी डी जो है भी डिलीट हो गया मतलब जब जीएसटी एक्ट आया था उस समय डी था आज के डेट में ये डिलीट हो गया तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन दे shall बी ट्रीटेड either as सप्लाई ऑफ गुड्स और services. सॉरी Uh, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule 2. Subsection 2 notwithstanding, not withstanding, very dangerous word, hai, baad hum log so, not withstanding anything contained in Subsection 1 A, activities or transactions specified in Schedule 3. Or such activities or transactions undertaken by the central government, a state government, or any local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the government on the recommendation of the council, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services. Subsection three subject to the provisions of subsection 1, 1a and 2, the government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transaction that are to be treated as a supply of goods and not a supply of services or a supply of services and not as a supply of goods. so, a section 7, ke. आ, आ, ये सेक्शन सेवन है जीएसटी एक्ट में जो डिसाइड करता है इसको सप्लाई क्या है सप्लाई क्या है अभी सेक्शन सेवन में जो हम लोगों ने इतना वर्ड पढ़ा अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा वर्ड अपने को समझना है जो कि ये पूरा सेक्शन सेवन अपने को क्लियर हो जाए समझ में आने लगे तो फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं सेक्शन सेक्शन सेवन सबसे वन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट दिस एक्ट मीन्स क्या Includes, first word क्या, है, includes. Includes का क्या मतलब होता है सो so, हम लोग भी जनरल जब बातचीत करते हैं तो भी इंक्लूड यूज करते हैं इंक्लूड मतलब क्या होता है इंक्लूड मतलब क्या है कि ये सारी चीजें इंक्लूडेड है इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है और या इसके पहले भी कुछ और भी है सो तो ये चीज़ें हैं इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है तो इंक्लूड्स मतलब मीन्स क्या हुआ कि कंप्लीट लिस्ट नहीं है ये एक लिस्ट है इसके अलावा भी अगर कुछ हो सकता है तो होगा मतलब गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं है इसके अलावा क्या हो सकता है हम प्रोफेशनल्स तो नहीं समझ पाएंगे बट गवर्नमेंट को भी नहीं समझ पाया है इसलिए गवर्नमेंट्स ने वर्ड यूज़ किया है इंक्लूड्स मीन्स नहीं लिखा है मीन्स लिखते मतलब यही होता मतलब इंक्लूड्स लिखा है मतलब ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी सप्लाई में तो क्या क्या

इसको इग्नोर करते हैं अभी ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सॉरी ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सच एज सेल्स ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लीज रेंटल रेंटल लीज और डिस्पोजल मीन्स कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड है इसमें सेल है ट्रांसफर है बाटर है एक्सचेंज है रेंटल है लीज है डिस्पोजल है मीन्स अगर सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लीज रेंटल और डिस्पोजल गुड्स और सर्विसेज और बोथ का करते हैं तो वो सप्लाई में आएगा बट वो आगे क्या है मेड और अग्रीड टू बी मेड फोर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अब इसको कंप्लीट करते हैं एक बार ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मीन्स सेल बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल अगर हम लोग गुड्स और सर्विसेज का करते हैं जो कि या तो कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन एक उसी समय दे देते हैं या बाद में देने की बात होती है मेड और गेट टू वी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन मीन्स पर्सन किसी एक पर्सन के द्वारा ये होगा एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल्स ट्रांसफर वाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज विच आर मेड और अग्रेड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाई अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरस ऑफ बिजनेस सो अगर ये है तो यह सप्लाई होगा दूसरा सप्लाई में क्या इंक्लूड किया है दूसरा इंक्लूड किया है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेस का भी हम लोग मतलब समझेंगे फॉर अ कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरस ऑफ बिजनेस तो पहला वाला क्या बोलता है पहला वाला बोलता है कि भाई आपके क्या क्या कंडीशन है गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई होने चाहिए ये सब टाइप सेल्स ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज ये सब टाइप के सप्लाई होने चाहिए और ये कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए प्लस ये जो है या तो बिजनेस में होना चाहिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन दर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और फर्दर ऑफ बिजनेस होना चाहिए बट बी नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो एक है वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए बट ये फर्दरस ऑफ बिजनेस के लिए हो सकता है नहीं भी हो सकता मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है थर्ड में क्या है एक्टिविटी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन मेड मेड टू बी विदाउट अब शेड्यूल में कुछ एक्टिविटीज लिस्टेड है जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अगर वो एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन भी होता है तो भी ये सप्लाई माना जाएगा नेक्स्ट क्या है वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सबसे वन ऊपर में जो तीन दिए हुए फोर्थ तो डिडक्ट हो गए एक दो तीन ये जो सप्लाई जो दिए हुए हैं अगर इसमें कोई भी एक्टिविटी सप्लाई हो गया तो वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा एंड वो कौन डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा शेड्यूल टू सो तो शेड्यूल टू में डिसाइडेड है कि कौन सा एक्टिविटी सप्लाई होगा गुड्स का कौन सा एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा अब आते हैं जो सबसेक्शन टू है वो क्या बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन वन नॉट विथ स्टैंडिंग अभी अभी आप लोग तो बहुत बच्चे होंगे जब ओरिजिनल वाला जो रामानंद सागर का रामायण श्री कृष्णा आया था तो हम लोग जब बचपन में थे तो देखते थे अभी फिर से लॉकडाउन में ये, ये स्टार्ट हो गया है तो श्री कृष्णा में एक जो मेन कैरेक्टर है नो डाउट श्री कृष्णा तो कैरेक्टर मेन है ही बट एक जो जिसके लिए उनका यू नो इनकारनेशन हुआ है धरती पे तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कंस है आप लोगों ने सब लोगों ने नाम सुना होगा तो कंस कैसा कैरेक्टर है वो बोलता है कि भाई मैं किसी से नहीं डरता हूँ कभी वो बोलता है कि मेरे लिए विष्णु को ही महत्व नहीं रखता है विष्णु को नहीं मानता हूँ फिर मैं वो बोलता है मैं ब्रह्मा को नहीं मानता हूँ कभी कभी वो बोलता है मैं महेश को शिव भगवान को भी नहीं मानता कभी बोलता है देवताओं को नहीं मानता तो ये जो नॉट स्टैंडिंग है ना ये वही कंस वाला कैरेक्टर है मतलब ये बोलता है मैं किसी को नहीं मानता हूँ मींस नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन सब सेक्शन वन तो ये कंस क्या बोल रहा है कि भाई सब सेक्शन वन में जो लिखा हुआ है मैं नहीं मानता हूँ मतलब मैं विष्णु को नहीं मानता हूँ वो डिसाइड करता है कि भाई कभी बोलता है मैं विष्णु को नहीं मानता हूँ कभी महेश को नहीं और कभी ब्रह्मा को नहीं मानता हूँ तो so ये जो नॉट स्टैंडिंग है नॉट विथ स्टैंडिंग ये कंस है कंस अभी क्या बोल रहा है कि एनी थिंग कंटेंड इन सब सेक्शन वन मतलब जो भी सब सेक्शन वन में लिखा हुआ मैं नहीं मानता हूं मैं क्या मानता हूं तो ये लिखा हुआ है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थ्री और सच ट्रांजेक्शन सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी सो अगर कोई एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह लेती है एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल सेल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो ये जो सबसेक्शन टू है ये बोल रहा है कंस मा, मामा जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि भैया जो सबसेक्शन वन में है मैं नहीं मानता हूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वो फाइनल है मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी जो शेड्यूल थ्री में स्पेसिफाइड है एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थ्री एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल वो जो है वो उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा मतलब ये है कि आप सब सेक्शन वन में जो भी लिखा है इवन वो सब सेक्शन वन के हिसाब से कोई सप्लाई हो गया बट अगर वो सप्लाई शेड्यूल थ्री में कवर्ड है और गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है कि ये भैया ऐसा सप्लाई है जो कि ना तो सर्विस होगा ना सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो वो सप्लाई ट्रीट नहीं होगा क्लियर आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा सेक्शन थ्री में आते हैं सेक्शन थ्री क्या बोलते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ए एंड टू अब ये सब्जेक्ट टू का क्या मतलब हुआ सब्जेक्ट टू समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक मूवी का आपने आप लोगों ने होप कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी करके आती आई थी बहुत ही फेमस मूवी थी परेश रावल अक्षय कुमार थे सुनील शेट्टी उसमें था मेन लीड में तो कॉमेडी मूवी थी सो so, इस मूवी में क्या था कि परेश रावल जो कॉमेडी कैरेक्टर था वो हमेशा उसका डायलॉग था परेश रावल का नाम राजू भाई रहता राजू भाई कुछ लंबा सा नाम है राजू भाई वो अगर आपको याद होगा तो आप मुझे बताइएगा तो मैं राजू भाई पकड़ता हूँ तो राजू भाई जो परेश रावल थे राजू भाई का क्या कहता है नहीं नहीं सॉरी सॉरी परेश रावल का नाम बाबू भाई था बाबू राव बाबू राव बाबू राव, राव गणपत राव, राव और आगे में कुछ टाइटल था तो बाबू राव का क्या डायलॉग था ए राजू तो डाका डाल चोरी कर मेरे को पैसे मांगता मतलब अल्टीमेट उसको क्या चाहिए उसको पैसे चाहिए तू जो भी कर डाकू डाल या फिर तू चोरी कर बट उसको बाबूराव को अल्टीमेटली पैसा चाहिए तो यही है सब्जेक्ट टू क्या बोलता है सब्जेक्ट टू बेसिकली क्या है कि बोलता है कि भाई जो सबसेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसे वन वन एंड टू सो सबसेक्शन वन वन एंड टू में जो लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा मतलब अल्टीमेटली मुझे पैसा चाहिए जो करना करो तो so, मतलब ये है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसे सो सेक्शन वन वन एंड टू में जो लिखा है उसको अपने को ऑनर करना है वो प्राइम है उसके बाद इन सब चीज़ें को हम लोग अप्लाई करेंगे सो so, क्या कहता है कि सब्जेक्ट uh, टू मैं फिर से रिपीट करता हूँ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसे वन वन एंड टू द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई बाई नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन आर टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्टिविटी uh, 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 और ट्रांजेक्शन सब सेक्शन ए सब सेक्शन वन वन ए और टू के हिसाब से अगर ये हो गया कि ये सप्लाई है तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है क्लियर ओके okay? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ये सेक्शन तो कंप्लीट हो गया अब हम लोग सेक्शन को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं बिकॉज ये बहुत बेस है जीएसटी का बेस है सो so, पहला जो हम लोगों ने वर्डिंग देखा था क्या देखा था पहला वर्डिंग हम लोग ने इंक्लूड्स देखा था इंक्लूड्स मतलब अभी हम लोग समझेंगे इंक्लूड्स मतलब क्या मैंने जैसे आपको बताया इंक्लूड डज नॉट मीन मीन्स मतलब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि मतलब ये भी है कुछ और भी हो सकता है अगर आपके माइंड में गवर्नमेंट के माइंड में कुछ आता है तो वो भी हो सकता है एंड इट्स नॉट एन एग्जिस एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब ये जो लिस्टिंग है जो सेल बाटर एक्सचेंज जो लिखा हुआ वो एग्जॉस्टिव नहीं है उसके अलावा कुछ और भी अगर आते हैं तो वो भी सप्लाई में आएंगे बट अभी के लिए एक्ट में इतना ही है ये है ओके okay? देन जो उसके बाद जो एक वर्ड है आगे फिर से उस पर आते हैं दूसरा वर्ड है सच एज सच एज सच एज मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल्स ट्रांसफर अभी हम लोग सच एज का मीनिंग समझते हैं सो सच एज मतलब अगेन ये सच एज जो है वो भी एक एग्जाम्पल है मतलब सच एज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल्स ट्रांसफर बाटर तो एक एग्जाम्पल दिया है कि सप्लाई की ये ये फॉर्म हो सकते हैं ये अगेन एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है एंड ये डिनोट सर्टेन एग्जाम्पल्स ओके अभी जो है हम लोग अब समझेंगे गुड्स एंड सर्विसेज क्या है हम लोगों ने देख लिया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स का क्या मतलब होता है सचेस का क्या मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं पहले गुड्स पे आते हैं सर्विसेज बाद में देखेंगे गुड्स मीन्स यहाँ पे देखें मीन्स है इंक्लूड्स नहीं है मीनस है मतलब ये एग्जॉस्टिव डिफिनेशन है इसमें जो लिखा है वही होगा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है जैसे इस एग्जाम्पल में सोफा दिया हुआ है सोफा को आप मूव कर सकते हैं आपके ए सी होते हैं फैन होते हैं आपके कॉट होते हैं बिजनेस में आपके और क्या क्या हो सकते हैं लैपटॉप्स होते हैं डेस्कटॉप होते हैं ये सब क्या है मूव होते हैं तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स बट आगे क्या है इट एक्सक्लूड्स क्या क्या एक्सक्लूड होता है मनी एंड सिक्योरिटी मनी मतलब जब तो आप समझते हैं जो करेंसी अपना होता है जो अपना इंडिया का करेंसी है वो मनी है डॉलर जो है फॉरन करेंसी वो भी मनी है बट इंडिया में मनी मतलब इंडियन करेंसी ही है सिक्योरिटीज मतलब जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं डिवेंचर्स होते हैं वो सब तो आप जानते ही हैं शेयर्स एंड डिवेंचर कंपनी के होते हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है आप सेल परचेज करते हैं वो गुड्स में नहीं आता है सो एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है एक्सनेबल क्लेम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रेड टू बी सीवियर बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई मतलब जो घास होता है या फिर कोई पेड़ लगा हुआ है वो सब लगा हुआ है अगर ये डिसाइड होता है कि वो घास को निकाल के हम लोग बेच देंगे या जो पेड़ है उसको धरती से अलग करके हम लोग बेच देंगे और बेचने से पहले उसको अलग कर देंगे तो इन डैट केस वो जो ग्रास है क्रॉप्स है और ये फिर ये जो टिम्बर होते हैं पेड़ के जो टिम्बर होते हैं वो सब सब कुछ गुड्स में आ जाएगा तो कंडीशन यही है कि बेचने से पहले और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें यह होना चाहिए कि ये धरती से अलग करके बेचा जाएगा तो वो आपका गुड्स में आ जाएगा क्लियर फिर से एक बार रिपीट करते हैं गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज एंड वाट दे इंक्लूड्स एक्सनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर मतलब बेचने से पहले सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई से पहले वो निकाल देंगे जमीन से अलग कर देंगे उसको अभी सर्विसेज पे आते हैं सर्विस मीन्स एनी थिंग अदर देन गुड्स एनी थिंग अदर देन गुड्स मतलब जो गुड्स हो गया वो सर्विस नहीं होगा और गुड्स में जो छूट गया वो सर्विस में आ जाएगा बट ये भी एक्सक्लूड करता है मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब क्या हुआ कि मनी एंड सिक्योरिटीज जो है ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है एंड सर्विसेज में क्या इंक्लूडेड है एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ़ मनी यूज ऑफ मनी हम लोग समझेंगे बाद में एंड मेंसन ऑफ़ कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम एनी वन फॉर्म ऑफ करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म तो ये बेसिकली क्या है यूज़ ऑफ़ मनी एंड कन्वर्जन ऑफ मनी मतलब क्या है कि जैसे आपको आपके पास इंडियन करेंसी आपको डॉलर चाहिए तो आप जाते हैं किसी एजेंट के पास जो अथोरइज एजेंट होते हैं आप इंडियन करेंसी देते हैं वो आपको डॉलर दे देते हैं या फिर आप कहीं बाहर घूमने गए या बाहर से कहीं घूम के आए हैं डॉलर लेके आए अब अब यहाँ तो डॉलर चलता है, नहीं है यूएस का यहाँ क्या चलता है यहाँ इंडियन करेंसी चलता है रुपीज़ जो वो चलता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करवाएंगे कर तो जब आप कन्वर्ट करवाने जाएंगे तो वो जो एजेंट होता है कुछ कमीशन चार्ज करता है तो ये सब जो कन्वर्जन वाला जो प्रोसेस जो एक्टिविटी है वो सर्विस में कवर्ड है सो क्लियर गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मोबल प्रॉपर्टी बट इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज़ बट इंक्लूड एक्सनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप ग्रास एक्सेट्रा सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स बट इट ऑल्सो एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज़

कुछ अनसिक्योर्ड है मतलब अनसिक्योर्ड इन देंस कुछ एक राइट right है जो कि आपके पास वो नहीं है कुछ एक राइट right, जैसे एक प्रॉपर्टी में राइट है बट वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं है या फिर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है बट वो आपके हाथ में नहीं बाद में आएगा अब अभी किस टाइप के एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ जैसे क्या होता है कि आपने अपना जो रेसिडेंशियल फ्लैट है आपका जो फ्लैट है आपने रेंट पे किसी को दिया अब रेंट पे दिया तो मंथली जो रेंट आ रहा है वो तो आपका रिसिवेबल्स है अब फ्यूचर में जो रेंट ड्यू होगा अभी ड्यू नहीं हुआ है मतलब एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो रेंट छः महीने के बाद ड्यू होगा वो क्या है आज के डेट में तो ड्यू नहीं है बट वो आपका एक्सनेबल क्लेम बन जाता है मतलब आपका एक क्लेम बनता है कि भाई फ्यूचर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा तो मुझे ये रेंट आएगा तो उस टाइप को कोबल क्लेम कहते हैं एक्स करते हैंबल क्लेम कहते हैं उन सब चीज़ों को एक्सनेबल क्लेम कहते हैं सॉरी सॉरी तो पानी पी लेते हैं हाँ तो so, हम लोग क्या डिस्कस करें? फ्यूचर में जो रेन डी होगा उसको एक्सनेबल क्लेम करते हैं लाइक like, आपके जो लॉयल्टी रिडमसन होते हैं जब आप शॉपर स्टॉप या कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि आप सपोज करो दो हजार रुपये का कुछ मेटेरियल मर्चेंडाइज आपने प्रोक्योर परचेज़ किया उससे तो क्या होता है दो हज़ार उसका स्कीम होता है कि भाई आपको हंड्रेड रिडम्पन पॉइंट मिलेंगे तो ये रिडम्पन पॉइंट क्या है कि जब आप फ्यूचर में जब आप उससे परचेज़ करने जाएंगे तो इस रिडम्पन पॉइंट के बेसिस पे आपका जो अमाउंट जो उसको पे करना है फ्यूचर डेट के परचेज पर वो अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा उस रिडम्पन पॉइंट से तो मतलब ये हुआ कि ये जो रिडम्सन पॉइंट्स है ये भी क्या है एक्सनेबल क्लेम है आज के डेट में आपके पास कोई क्लेम नहीं है जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये आज के सॉरी क्लेम है बट आपके पास कोई आपके पास कुछ आपके हाथ में नहीं है जब आप नेक्स्ट टाइम जब क्लेम करने जाएंगे तो वो क्लेम आपका आएगा तो इसलिए वो एक्सनेबल क्लेम कहते हैं इसको ठीक है मनी मतलब तो बहुत सिंपल से हम लोग समझते हैं मनी बहुत सिंपल से मैंने समझाया बहुत डिटेल में नहीं जाना है मनी मतलब जो इंडियन करेंसी होता है रुपीज चेक जो होता है वो भी बैंक के जो चेक होते हैं प्रोमिसरी नोट अपने फाउंडेशन लेवल पर अगर पढ़ा होगा या बीकॉम में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं प्रामिसरी नोट्स होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ड्राफ्ट होता है पे ऑर्डर ट्रेवलर चेक तो जो भी फॉर्म्स ये सब जो बैंकिंग के जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो आर ने रिकोगनाइज़ किया है उन सब चीज़ों को मनी कहते हैं बट इंडिया India में इंडियन मनी होना चाहिए मतलब आर मतलब इंडिया का ही है तो इंडियन रिकोगनाइज होना चाहिए ओके okay? अभी हम लोग आते हैं फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा था सच एज सच एज सेल्स ट्रांसफर बाटर ऑल दोज थिंग्स तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या क्या है एंड उसका मीनिंग क्या क्या है सो सेल्स एंड ट्रांसफर पहला वर्ड था सो सेल्स एंड ट्रांसफर मतलब क्या होता है आप सिंपली एक दुकान में गए आप दुकान में एक जैक्ट लैपटॉप खरीदे तो वो लैपटॉप आपको दे देता है आपने उसको कुछ पैसे दे, 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 दे दिए जो भी प्राइस है लैपटॉप का आपने वो प्राइस दे दिया आपने लैपटॉप ले लिया तो उसमें क्या होता है लैपटॉप का जो ऑनरशिप होता है आप लैपटॉप के खरीदने के बाद आप ऑनर हो गए तो सेल्स सेल एंड ट्रांसफर में क्या होता है ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो जाता है मतलब पहले वो दुकानदार ऑनर था आपने उसको पैसे देके अपने पास ले लिए तो ऑनरशिप उसका ट्रांसफर होकर आपके पास आ गया फिर तो उसको सेल्स एंड ट्रांसफर करते हैं बाटर एंड एक्सचेंज मतलब क्या हुआ बाटर मतलब क्या हुआ सिंपल कि बाटर मतलब होता है कि एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ लेना मतलब एक गुड्स के लिए दूसरा सर्विस ले लेना या गुड्स के लिए गुड्स लेना तो एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि डॉक्टर ने किसी बारबर का मेडिकल चेकअप किया फ़ी नहीं लिया उससे बारबर को कहा भैया मेरा बाल काट दो तो क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो गए एंड ये बाटर है गॉट इट सेम लाइन में आप बिग बाजार जब जाते हैं तो क्या होता है पुराने कपड़े आप देते हैं तो पुराने कपड़े के बदले में आपको या तो डिस्काउंट मिलता है या न्यू प्रोडक्ट मिलता है तो ये सब भी क्या है बाटर है एक प्रोडक्ट आपने दिया एक सर्विसेज दिया बदले में कोई दूसरा गुड्स आ गया या सर्विसेज आ गया तो ये बाटर है लाइसेंस मतलब क्या होता है गिविंग परमिशन टू इंगेज इन एनी बिजनेस अभी एग्जाम्पल इसका समझते हैं जैसे टेलीकॉम लाइसेंस इंडिया में टेलीकॉम लाइसेंस किस आप जैसे जियो का यूज करते होंगे एयरटेल बोडाफोन आइडिया बहुत सारे टेलीकॉम सर्विसेज यूज़ करते हैं तो ये सब क्या है गवर्नमेंट ने इन टेलीकॉम कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस दिया हुआ है कि ये, आप ये टेलीकॉम लाइसेंस आपको मिला हुआ है आप इसको फर्दर यूजर्स जो भी कंज्यूमर्स है उसको दे सकते हैं तो ये लाइसेंस हुआ मतलब लाइसेंस जनरली गवर्नमेंट से ही होता है या फिर आपके पास भी हो सकता है आपके पास अगर कॉपी है तो आप लाइसेंस दे सकते हैं भाई मेरा ये कॉपी है मेरे बुक्स का तो मैं आपको लाइसेंस देता हूँ आप थाउजेंड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड मार्केट में सेल कर सकते हैं लीज मतलब क्या होता है लीज मतलब सिंपल सा है जैसे लैंड बिल्डिंग होता है मशीनरी होता है उसको आपने एक सर्टेन टाइम पे सर्टेन टर्म्स के लिए एक साल दो साल छः महीना चार महीने के लिए आपने उसको लीज पे दे दिया मतलब लीज पे दिया और बदले में आपको रेंटल आ रहा है लीज रेंटल आ रहा है रेंटल भी सेम मीनिंग है कि आपने अपना फ्लैट किसी को रेंट पे दे दिया है तो राइट right, तो लाइसेंस लीज एंड रेंटल में एक चीज़ समझना है कि एम्स में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता जैसे आप दुकान पे गए लैपटॉप ख़रीदने के लिए तो ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाता है वो लैपटॉप आपका हो जाता है दुकान वाला कभी आपसे आके मांग नहीं सकता बट लीज़ लाइसेंस एंड रेंटल में क्या होता है कि एक सर्टिफाइड एक जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है उसी पीरियड के लिए आपके पास हो रहता है उसके बाद वो आपके जो ऑनर है उसके पास वापस आ जाता है तो ऑनरशिप कभी ट्रांसफ़र नहीं होता तो सिर्फ राइट right टू यूज़ ट्रांसफ़र होता है मतलब आप यूज़ कीजिए एंड उसके बाद जो ऑनर है उसके पास है डिस्पोजल मतलब क्या होता है डिस्पोजल मतलब होता है कि वो सेम चीज है सेल है प्लेस है मतलब आप किसी को दे दिए गिव अवे कर दिए यूज कर दे कंज्यूम कर, कर लिया जैसे ये लैपटॉप जो है मे भी मेरे ऑफिस का है मैंने पर्सनल यूज के लिए इसको ले लिया ऑफिस में नहीं रखता हूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा ये ये बेसिकली क्या हो जाए डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स हो जाएगा तो डिस्पोजल मतलब सेल प्लेस किसी को दे दिया या किसी और तरीके से इसको डिस्पोज कर दिया हटा दिया इसको एक्टिव यूज से उसका मतलब डिस्पोजल हुआ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंसिडरेशन सो कंसिडरेशन अगेन हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं अभी क्योंकि तो बहुत हीवी हो गया था सप्लाई का डेफिनेशन हम लोग इसको समझते हैं कंसिडरेशन मतलब क्या होता है सो so, कंसिडरेशन मतलब पेमेंट इन मनी अदरवाइज और अदरवाइज फॉर द सप्लाई सो आप अगर कुछ सप्लाई तो आप समझ गए कि क्या क्या फॉर्म है सेल बाटर दिस दिस राउंड तो जब भी आप जैसे लैपटॉप खरीदने गए तो आप पैसे जो पे करते हैं वही कंसिड्रेशन हो गया जो पेमेंट इन मनी आप जो मनी में उसको पेमेंट किए वो कंसिड्रेशन हो गया लाइक बाय रेसिपियंट और एनी अदर पर्सन तो ये कौन पे कर सकता है जैसे आप लैपटॉप दुकान में खरीदने गए या तो लैपटॉप का प्राइस आप खुद पे कर सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हैं भाई मैं तो कमाता नहीं मेरे डैड पे करेंगे तो आपके डैड पे कर देते हैं तो या तो जो लैपटॉप खरीद रहा है जो रेसिपियंट जिसको मिल रहा है लैपटॉप या फिर कोई रेसिपेंट ने जिसको बताया है वो पे कर देता है देन ये जो कंसिड्रेशन है उसमें क्या एक्सक्लूड होता है मतलब जो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी आता है वो एक्सक्लूड हो जाता है आगे हम लोग एग्जाम्पल में वो समझेंगे डिटेल में तो अभी इतना ही समझते हैं कि कंसिड्रेशन मतलब जो आप कुछ खरीदने जाते हैं कुछ रेंट पे लेने जाते हैं उसके बदले में जो मनी देते हैं आप वो बेसिकली कंसिड्रेशन है मनी कोई भी दे सकता है जो गुड्स और सर्विस ले रहा है वही वो भी मनी दे सकता है या फिर वो किसी को अथोराइज कर सकता है कि मेरे भी आप में आप पे कर दो बट इसमें इन एक्सक्लूड क्या करना है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी कोई डिस्काउंट मिला है तो वो उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा नेक्स्ट क्या है कंसिड्रेशन में डिपॉजिट जो होता है वो डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ऑनली वे द सप्लायर अप्लायज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर दैट सप्लाई मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे आप एक मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आप आप स्टूडेंट हो आप जब आते हो बड़े शहरों में पढ़ने के लिए तो आप क्या करते हो कि एक फ्लैट रेंट पे लेते हो फ्लैट रेंट पे जब आप लेते हो तो ऑनर क्या कहता है कि भाई मुझे तो कुछ डिपॉजिट चाहिए तो आप दो महीने का डिपॉजिट दो तो जो दो महीने का आप जब डिपॉजिट देते हो तो उस डिपॉजिट को क्या कंसिड्रेशन नहीं मानेंगे जनरली नहीं मानेंगे कम मानेंगे कंसिड्रेशन गें गें जब उस डिपॉजिट को रेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेगा आपका ऑनर तो उसको बोलेंगे भैया ये कंसिड्रेशन है तो मतलब क्या है कि आप जब मंथली रेंट दे रहे हो तो वो तो क्या है कि जो सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ उसके अगेंस्ट में मंथली रेंट दे रहे हो वो पेमेंट मिन मनी हो गया वो कंसडेशन हो गया लेकिन आप रेंट के अलावा भी फर्स्ट मंथ में उसको सपोज करो थर्टी थाउजेंड का आपने डिपॉजिट दिया तो वो डिपॉजिट क्या वो कंसडेशन में नहीं आएगा वो कंसडेशन का पार्ट नहीं है कंसड्रेशन का पार्ट कब होगा जब उस डिपॉजिट को आपका मकान मालिक आपका फ्लैट ऑनर एडजस्ट कर लेगा एज रेंट तभी वो कंसडेशन होगा इसका सेकेंड लेग में आते हैं मॉनिट्री वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर वेयरेंस फॉर सप्लाई अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्या देखा कि भाई पेमेंट इन मनी है मतलब इंडियन करेंसी में या प्रोमिसरी नोट या चेक में आप पेमेंट कर रहे हो बहुत बार होता है बाटर वाले सिस्टम में जैसा आप लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि बाटर वाले सिस्टम में आप मनी में पे नहीं करते तो डॉक्टर ने बार का देखा चेकअप किया और बार ने उसका हेयर कट कर दिया तो क्या आपको देखना है कि एक्ट का उस जो एक्टिविटी है उसका और फॉर वियरेंस बाद में समझेंगे हम लोग तो उस एक्ट और फॉरवेडेंस मतलब होता है कुछ चीज़ को आपने छोड़ दिया मतलब जो आपका राइट था आपने उसको इग्नोर कर दिया उस राइट को आपने नहीं लिया तो तो बेसिकली अगर मनी में नहीं है ट्रांजेक्शन तो इनडायरेक्ट के अपने को देखेंगे एक्सचेंज में जो एक्ट किया गया या फॉरवेरेंस हुआ है उसका क्या वैल्यू है सेम लाइन में टरी कंसिड्रेशन हो नॉन मॉनिट्रीडरेशन हो पेमेंट कोई भी कर सकता है कर सकता है और उसके ज़रा जो वो भी कर सकता है एंड सब्सिडी कोई है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो एक्सक्लूडेड होगा ओके okay? अभी एक और डेफिनेशन पे आते हैं पर्सन मतलब क्या होता तो है जनरली हम लोग पर्सन मतलब क्या समझते हैं पर्सन मतलब मैं आप, आपके पिताजी आपके माता जी आपके भाई बहन ऐसे मतलब हम लोग पर्सन समझते हैं बट जो टैक्सेशन है या फिर जो लीगल वर्ड में जो पर्सन होते हैं पर्सन का मीनिंग थोड़ा सा इनलार्ज होता है थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इनलार्ज होता है तो पर्सन मतलब क्या है सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आप और मैं नहीं एच यू एफ एच यू एफ मतलब क्या होता है ना देखिए एच यू एफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीनस कि कोई फैमिली बिजनेस है फैमिली बिजनेस में चार भाई हैं तो होता है कि फादर का है तो फादर से अगर चार भाई है तो चारों भाई को ट्रांसफर हो जाता है तो उस फैमिली बिजनेस को बेसिकली एच यू एफ कहते हैं तो वो भी पर्सन है कंपनी कंपनी मतलब आईटीसी लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जो भी आप जो भी कंपनी का नाम सुनते हो वो कंपनी फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म तो आप जानते ही हैं कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म भी पर्सन है अनलिमिटेड लाइविटी पार्टनरशिप तो लिमिटेड लाइविटी पार्टनरशिप क्या होता है आपने शायद फाउंडेशन लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा भी होगा ये कंपनी एंड फर्म के बीच का कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है एक फॉर्म क्या है छोटा सा कुछ ल, लोगों के बीच कुछ पार्टनर्स के बीच बनाया हुआ फॉर्म है अनिलिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड लाइब्रिटी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच का है मतलब है ही फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म टाइप का ही है बट दोनों के बीच का है थोड़ा सा अब जो रिस्ट्रिक्शंस फॉर्म में होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होते बट कंपनी जैसा ऑब्लिगेशंस नहीं होता है तो लिमिटेड लाइब्रिटी पार्टनरशिप भी फॉर्म है कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपने बना लिया वो भी फॉर्म है कोई कॉपोरेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो भी पर्सन है बॉडी कॉरपोरेट जो इंडिया से बाहर इस्टेब्लिश हुआ है वो भी बॉडी -बा, बा कॉरपोरेट वो भी पर्सन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने सुना होगा वो भी पर्सन है लोकल अथॉरिटी हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे लोकल अथॉरिटी अभी फॉर द टाइम बिंग अभी समझ लेते हैं लोकल अथॉरिटी जो भी है लोकल अथॉरिटी मतलब क्या आपके ग्राम पंचायत वगैरह जो होते वो लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी जो भी है वो भी पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो वो भी पर्सन है कोई सोसाइटी जो है सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन है ट्रस्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो सब सारे पर्सन है इसके अलावा भी कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जैसे एक बिल्डिंग है वो भी बहुत सारे केस में पर्सन हो सकता है सो पर्सन मीन्स ऑल या तो कोई बिजनेस है कोई फॉर्म है कोई कंपनी है कोई सोसाइटी है कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट की कोई बॉडी है सब कुछ पर्सन के डेफिनेशन में आएगा तो मतलब सप्लाई ये सब कोई भी करे सप्लाई होगा अभी एक और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन समझते हैं पर्सन बिजनेस बिजनेस मींस सॉरी बिजनेस इंक्लूड्स अगेन इंक्लूड्स मींस नहीं है इंक्लूड्स एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर वेजर और वेजर मतलब क्या होता है बेटिंग वगैरह जो होता है रेस आप जो रेस कोर्स वगैरह जो जाते हैं बेट जो करते हैं लॉटरी जो खेलते हैं तो वो सब बेटिंग जो भी होता है वो उसको वेजर करते हैं और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज़ फॉर द पिक्यूनरी बेनिफिट्स पिक्यूनरी बेनिफिट्स इज मोनिटरी बेनिफिट मतलब अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं कॉमर्स कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोफेशन है सी ऑफिस चला रहे हैं वोकेशन है मतलब आपका हॉबी है अगर वो सब वोकेशनल कोर्सेस जो करते हैं एडवेंचर्स है बेटिंग है ये सब सब कुछ जो है वो बिजनेस में आएगा आप या तो पैसे के लिए कर रहे हैं या हॉबी के लिए कर रहे हैं तो भी ये बिज़नेस में आएगा और कोई ट्रांजेक्शन इससे कनेक्टेड है एंसिलरी या इंसिडेंटल टू ऑल ए वो भी बिजनेस में कवर हो जाएगा एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ ऑफ ए अव वेदर और नॉट देर इज अ वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन मतलब ये है कि ये सब जो आप ऊपर कॉमर्स मैन्यूफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर ये सब जो कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आप साल भर करें एक साल करें अगर आपने एक भी दिन के लिए किया है दस क्वांटिटी के लिए ही किया उसको बंद करना बंद कर दिया तो भी वो बिजनेस ही होगा उसमें ये डिसाइड नहीं करना है उसमें कि एक साल चलना ही चाहिए या कम से कम सौ क्वांटिटी होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आपने चालू किया बंद किया फिर चालू किया तब भी वो बिजनेस ही है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ़ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ़ द बिजनेस आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और क्लोज करने वाले होते हैं तो उस समय भी अगर आप कुछ गुड्स परचेज करते हैं इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स बाद में समझते हैं कैपिटल गुड्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं है तो बहुत सिंपल ऐसे समझते हैं अगर अकाउंटिंग आप समझ रहे हैं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं है तो जो एसेट्स का पार्ट होता है उसको कैपिटल एसेट्स कहते हैं तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के समय बिज़नेस बंद करने के समय कुछ भी आप करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का तो सॉरी गुड्स का तो गुड्स और सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज का तो वो सारी चीज़ें भी बिज़नेस में आएगा अभी आपका कोई क्लब होता है बहुत सारे रोटरीज क्लब ये वो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स बनते हैं तो उस मेंबर्स के बीच जो क्लब जो जो भी मतलब फूड सप्लाई करती है सर्विसेज सर्विस इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम वगैरह करती है वो भी बिजनेस में आएगा जो क्लब का जो एक्टिविटीज़ है उसको भी बिज़नेस बोलेंगे एडमिशन फॉर अ कंसिड्रेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रमाइसिस मतलब आप बेसिकली क्या है आपको म्यूजियम है आप म्यूजियम में जाते हैं तो क्या कुछ फी होता है तो जहाँ भी जिस भी प्रिमाइसिस में जो भी जहाँ भी बिल्डिंग प्रिमाइसिस में आप इंटर होते हैं आपके बहुत सारे हैं मतलब आप गार्डन्स होते हैं आपके पार्क होते हैं अगर आप फी दे के इंटर करते हैं तो वो जो फ़ी देते हैं तो जो गार्डन है या फिर जो भी ये म्यूजियम है उसके द्वारा ये बिजनेस माना जाएगा सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ़ एन ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन अभी सिंपल से है मेरा सीए का अगर ऑफिस है वहाँ पर कोई कुछ आके कर दिया मेरे ऑफिस में कोई काम कर दिया लाइक कोई कारपेंटर आके मेरा कबर्ड बना दिया या और कुछ कर दिया तो वो सब भी आपका बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलीजेटर टोटलीजेटर और अ लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब सो रेस क्लब में क्या होता है टोटल एजेटर जो बोलते हैं टोटल इजेटर क्या होता है ये एक बंदा समझिए एक आदमी होता है जो क्या करता है आपके बिहार में बेट करता है मतलब आप जैसे घोड़े के रेस में जाते हैं आप हॉर्स रेस में जाते हैं तो क्या करते हैं आप क्या बोल बोलते हैं कि दस नंबर का जो घोड़ा है वो जीतेगा तो आप उस उसमें पैसे लगाते हैं तो एक बंदा होता है टोटल एजेटर तो जो सबका पैसा कलेक्ट करता है जब सब सबका बेट कलेक्ट करता है ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं फिजिकली सबका बेट कलेक्ट करता है फिर जो जीतता है उसको देता है एंड बाकी को अपने कमीशन के हिसाब से रख लेता है तो वो जो टोटलाइजेटर है उसका भी जो एक्टिविटी है वो सभी बिज़नेस में ही आता है लास्ट क्या है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज पब्लिक अथॉरिटीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो म्यूनसपैलिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हो, होते इरीगेशन डिपार्टमेंट होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं वो सब पब्लिक अथॉरिटीज है वो भी जो सर्विसेज देते हैं वो सब जो सर्विसेज है वो भी बिजनेस में ही इंक्लूडेड है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सप्लाई है जीएसटी है बट बिजनेस है वो वो बिजनेस का जो डिटेल डेफिनेशन है इंक्लूड्स है उसमें ये सब सब इंक्लूडेड है आगे जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर तो हम लोगों ने क्या किया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझे एंड अब जो है सप्लाई जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सप्लाई ऐसे पढ़ा था फिर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हाईलाइट किया था हम लोगों ने पूरा इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझ लिया अब एक एक करके सप्लाई के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको समझेंगे तो पहला पार्ट अगर आपको याद होगा सप्लाई में तो क्या था सप्लाई इंक्लूड्स के बाद जो सबसेक्शन वन था एक बार देख लेते सबसेक्शन वन में क्या था क्या था सबसेक्शन वन में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अग्रीड ऑग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दर एस ऑफ द बिजनेस ठीक है फर्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में एक्जाम्पल के साथ तो फर्स्ट पार्ट में क्या है सप्लाई इंक्लूड्स सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल ऑफ वॉट गुड्स एंड सर्विस और बोथ फॉर कंसिडरेशन एंड इट्स शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस समझ तो लिया है हम लोगों ने अब एग्जाम्पल ले लेके एक एक करके समझना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फंडा क्लियर हो जाएगा अभी तक तो डेफिनेशन में थोड़ा सा लगा कि होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अब एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो वो और क्लियर होता जाएगा सो पहला एग्जाम्पल लेते हैं आर्ट आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें देखना है कि क्या है ये मतलब अपने को ये क्राइटेरिया देखना है ये तीनों सेटिसफाई होगा तभी सप्लाई होगा अदरवाइज नहीं होगा तो पहले इसमें अभी भेजा है मतलब सेंट बाय तो मोमेंट तो है ये हो सकता है कुछ भी हो सकता है सेल बाटर एक्सचेंज वो कुछ हो सकता है उसमें कोई डाउट नहीं है पहले ये देखना है गुड्स सर्विसेज क्या है तो आर्ट वर्क जो है वही भेजा है तो वो तो एक गुड्स हो सकता है फिजिकल है वो मूवेबल है मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक फोटो होता है वो क्या है मूवेबल है तो वो गुड्स है राइट right? सो तो ये वाला तो एक पोर्सन जो है ये गुड्स है गुड्स है एंड ये सप्लाई वाला ये जो जो वाटर एक्सेस जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ होगा वो बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन अब क्वेश्चन आता है इसमें कंसिड्रेशन है क्या मतलब कुछ पैसे आए हैं क्या बदले में उसने आर्ट वर्क तो भेजा गैलरी में एग्जीबिशन के लिए पैसे आए हैं क्या पैसे नहीं आए पैसे कब आते हैं जब एग्जीबिशन में कुछ बिकेगा तब पैसे आएंगे तो मेरली आपने आर्ट वर्क किसी आर्टिस्ट ने किसी गैलरी में एग्जीबिशन के लिए भेजा है वो सप्लाई नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई कंसड्रेशन नहीं है अभी तक कोई पैसे आए नहीं जब वो सेल होगा तब फिर वो पर्टिकुलर जो जो बिकेगा वो वाला सेल होगा बाकी जो पूरा जिसने आर्ट वर्क भेजा है वो नहीं हो सकता है सप्लाई क्लियर हम लोग फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है क्योंकि तो आर्ट आर्टिस्ट जो बनाता है वो बेचने के लिए बनाता है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है बट यही कंसिडेशन जो मनी है जो बदले में पैसे आने चाहिए या फिर कुछ और आना चाहिए वो नहीं आया है इसलिए ये सप्लाई नहीं होगा दूसरा आगे बढ़ते हैं रिसअ बायज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर ईयर सेल्स इट टू अ कार डीलर सेल ऑफ़ कार बाय टू कार डीलर इज सप्लाई और नॉट सो तो मतलब क्या है रिशव ने रिशव मैं आप क्या है कि हम लोगों ने ऋषभ ने सॉरी ऋषभ ने एक कार खरीदा यूज किया उसके बाद एक साल के बाद इसको कार डीलर को वापस भेज दिया तो कार डीलर को जो तो, सॉरी तो कार डीलर को जो बेचा है तो ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा समझते हैं पहले तो गुड्स और सर्विस है कि नहीं तो कार जो है वो तो गुड्स है कोई डाउट नहीं मूवेबल है या हाथ से नहीं उठा तो सकते बस उठा ही सकते हैं तो मूवेबल है एंड सेल तो हो रहा है तो सप्लाई वाला जो ट्रांसफर वाला जो है सेल वाटर व उसमें तो इंक्लूड हो गया तो सेल भी है एंड गुड्स भी है अब जब कार डीलर को बेचेगा तो कंसिडरेशन भी मनी भी आते हैं नेक्स्ट है कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं अब ये रिसअ का ये बिजनेस है क्या कार सेल करना उसका बिजनेस नहीं है रिसअ तो एक पर्सन कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदा एंड जब यूज़ खत्म हो गया तो उसको कार डीलर को बेच दिया तो रिसअ के लिए क्या है कि ये जो ट्रांजेक्शन है कार जो उसने सेल किया है कार डीलर को इन द कोर्स ऑफ फर्दरस ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए ये सप्लाई नहीं होगा अगर आप ये बोलेंगे ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा तो बिजनेस का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था बहुत ही डिटेल्ड है बिजनेस में तो ये कवर्ड है बिजनेस में ये नहीं बोलता है क्या भाई पैसे के लिए कर रहे हैं या फिर वन टाइम है टू टाइम है या हमेशा के लिए करते हैं कोई मतलब नहीं है बिज़नेस में सिंपल है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सेल uh, 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 जो भी है वो जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो सारे चीज़ें बिज़नेस में कवर्ड है बट सप्लाई के लिए ये ज़रूरी है कि वो बिज़नेस जो भी है वो इन दर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो रिसर्व का ये इंस ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए सेल बाई कार सेल बाय कार सेल बाय सेल ऑफ़ कार बाय टू कार्ड वन मनी करनी का सोल्ड हर गोल्ड ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड ईयरिंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स सो हम लोग के घर में भी क्या होता है कि पुराने गोल्ड होते हैं हम लोग ज्वेलर्स को बेच देते हैं ज्वेलर शॉप में जाके तो ये वाला गोल्ड तो मूवेबल प्रॉपर्टी है गुड्स हो गया सेल वर्ड ही लिखा हुआ है मनी मतलब मनी का ने एक गुड्स को जो गोल्ड बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स हैं उसको जाके बेचा है आवूसन ज्वेलर्स को तो फर्स्ट वाला ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया आप जब बेच रहे हैं तो मनी का को पैसे भी आएंगे इसमें भी कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन तो ये वाला है कि इन द फर्दर इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं तो मनी तो एक हाउस लेडी होगी या फिर जो भी होगी बट ये गोल्ड ज्वेलरी एंड बैंगल्स इसका बेचने का काम तो उसका है नहीं इसलिए ये फिर से ये कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस सो ये सप्लाई नहीं होगा नेक्स्ट में आते हैं सुंदरम आचार्य ए फेमस एक्टर पेंट सम पेंटिंग एंड सेल्स दिन पेंटिंग किया पेंट्स को सेल भी किया मतलब पेंट्स जो है जो पेंट जो कैनवास जो बनाया है उसने वो तो गुड्स है सेल किया मतलब सप्लाई भी है वो मीन सप्लाई का जो कॉम्पोनेंट है वो है द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज़ टू बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट कंसीडरेशन भी है और वो कंसीडरेशन जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया है उसने तो पहला कंडीशन देखते हैं कि भाई सेल है पेंटिंग का सेल है कंसिडरेशन भी है कहाँ गया कंसिडरेशन डज नॉट मैटर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं ऑब्वियसली है पेंटर का काम क्या है पेंट बनाना उसको सेल करना तो ये सारे कंडीशन सेटिसफाइड हो रहे हैं अब वो कंसिड्रेशन लेके क्या करता है नहीं करता है चैरिटेबल ट्रस्ट को देता है या फिर अपने गाड़ी खरीद लेता है उसे कोई मतलब नहीं है अपने को तो ये वाला सप्लाई हो जाएगा और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ डिपोजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेसिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस चार्जेस मतलब कोई भी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी हो तो वहाँ पर तो होते ही हैं वेलफेयर एसोसिएशन वो क्या करते हैं कि रेसिडेंट जो बिल होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं जाके गवर्नमेंट को डिपॉज़िट कर ले और नॉमिनल चार्जेस ले लेते ये जो बिल कलेक्शन एंड डिपॉजिट का जो काम है जो और उसके अगेंस्ट जो नॉमिनल चार्जेस लिए हैं वो सप्लाई होगा के लिए तो देखते हैं तो सर्विस तो प्रोवाइड हुआ है हम लोगों ने देखा कि जो एसोसिएशन वगैरह जो भी हैं वो पर्सन भी है एंड उसकी जो एक्टिविटी वो बिज़नेस भी है तो ये जो है ये फॉर्म तो सर्विस है कलेक्शन का फिर उसको जाके डिपॉजिट करना सर्विस ऑफ फैसिलिटेशन आप बोलते हैं फैसिलिटेशन सर्विसेज दे रहा है वो एसोसिएशन अपने मेंबर्स को तो बट नैचुरल ये हो गया कंसिड्रेशन भी है कि नॉमिनल चार्जेज वो ले रहा है तो कंसिडेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं यस yes, है क्योंकि रेसिडेंस वेलफेयर का काम ही यही है कि अपने जो उसके मेम्बर्स हैं उस सोसाइटी तो में जो लोग रहते हैं उसको फैसिलिटेशन जॉब दें तो उसके बिजनेस मतलब उसका जो डेली डे टू डे बिजनेस है यही बिजनेस है उसका तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं एंड देन बिकॉज ऑफ दिस दिस इज़ सप्लाई कमिंग टू सिक्स एंट्री ऑफ सर्कस सिनेमा हॉल अम्यूजन पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क वाटर पार्क इट इज फॉर चार्जिंग टिकट हम लोगों ने देखा अब हम लोगों ने बिजनेस में पढ़ा है कि एंट्री टू एनी प्रीमाइसिस जो भी अम्यूजमेंट पार्क है अगर वो इसके लिए है कंसिड्रेशन है तो सर्विस क्या है एंट्री जो है वहाँ पे कोई भी थीम पार्क या फिर अम्यूजमेंट पार्क में जो एंट्री है वो एक सर्विस है तो सर्विस है कंसिड्रेशन भी है टिकट जो आप लेते हैं वो कंसिड्रेशन है उसके लिए मनी पे करते हैं एंड फर्दर इन बिजनेस है कि नहीं यस ये अम्यूजन पार्क सिनेमा एंड हॉल इसका बिजनेस ही यही है इनका काम ही यही है कि आपको वो मूवी दिखाएंगे या अम्यूजन पार्क में जो जो भी राइड्स हैं वो सब आप लेंगे वो उनका काम ही है तो ये तीनों कंडीशन को सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इसलिए सप्लाई है रॉयल टर्फ रेस क्लब इज इंगेज इन फैसिलिटेटिंग वेजरिंग बेटिंग का जो काम करते हैं तो हम लोगों ने समझा ही है कि रेस कोर्स में जो भी बेटिंग वेटिंग का काम करते हैं जो भी फैसिलिटेटर होते हैं टोटलाइजर होते हैं वो सारे लोगों का जो काम है वो सप्लाई है बिकॉज उसमें एक कमीशन भी होता है और इन लोगों का काम ही यही है ओके okay? सो तो ये सप्लाई होगा तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर वही सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं कि सभी सर्विसेज सप्लाई होंगे कि नहीं होंगे रीजन के साथ लिखा हुआ है ओके okay. सो so हम लोग अब सेकेंड पार्ट में आते हैं सेकेंड पार्ट क्या था एक बार पीछे चले जाएँ पिछले चले जाते हैं सेकेंड पार्ट में क्या था हाँ तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने अब अब मुझे लगता है कि डिटेल में समझ लिया आपको भी अच्छे से समझ में आ गया दूसरा पार्ट क्या है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब इसमें ठीक है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन हो गया ए आफ्टर आप अब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है आते हैं अपने कंटेंट पे तो सेकंड पार्ट में क्या है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बेसिकली क्या होता है क्या होता? आप किसी बाहर से किसी का सर्विस लिए हो मतलब इंडिया से बाहर का इंपोर्ट मतलब बाहर से कुछ होना so, इंडिया से बाहर का कोई सर्विस आपने इंडिया में लिया वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो उसके लिए अगर आप कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो ये सप्लाई हो जाएगा वेदर ये आपके बिजनेस के लिए है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा रमिया अप्रोपराइटर एक एक बिजनेसमैन है ये रमिया हैज रिसीव द आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस अब देखिए एक बिजनेस मैन है बट ही हैज रिसीव आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस मतलब उसका घर तो उसका बिजनेस नहीं है मतलब ये इन द कोर्स और फर्दर इन बिजनेस नहीं है फॉर हिज हाउस फॉर्म एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एंड एग्रीड एट एन एग्रेड कंसिडरेशन ऑफ डॉलर फाइव थाउजेंड सो रमिया जो है वो बिजनेस मैन है बट जो उसने आर्किटेक्ट सर्विसेज जो न्यूयॉर्क के पार्टी से ली है आर्किटेक्ट से ली है जो इंडिया से बाहर है वो अपने घर के लिए लिया है अपने बिजनेस के लिए लिया so, है फॉर एग्रेड कंसिडरेशन सो कंसिडरेशन हो मतलब आपने इम्पोर्ट ऑफ आप सर्विस किया फॉर कंसिडरेशन बट वो आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है तो so, सप्लाई के डेफिनेशन में बहुत क्लियर है कि बिजनेस पर्पज के लिए हो ना हो कोई मतलब नहीं है इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन ये सप्लाई होगा क्लियर थर्ड पार्ट में आते हैं थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ था एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन सो थर्ड पार्ट में था किस मैं एक बार चले जाए वहां पे यस yes. सी में क्या है दी एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन अग्री मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट कंसीड्रेशन मतलब शेड्यूल वन में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है उसमें अगर कंसिडेशन नहीं भी है तो वो आपका क्या होगा सप्लाई होगा वो सब एक्टिविटीज़ अभी समझते हैं चार ही एक्टिविटीज दिया हुआ है शेड्यूल वन में शेड्यूल वन में चार एक्टिविटीज दी हुई चार एक्टिविटीज़ में कंसिड्रेशन नहीं भी है तो भी इसको सप्लाई में कंसिड्रेशन में समझ गए कंसिड्रेशन आप समझ ही गए हैं सो तो सप्लाई माना जाएगा पहला क्या है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स आगे देखते हैं इसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज डिस्टिंग अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव वेन मेड इन द कोर्स और फर्दर इंस ऑफ बिजनेस ओके प्रोवाइडेड गिफ्ट नॉट एक्सेडिंग फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयड टू एन एम्प्लॉज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आगे समझेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स ध्यान दीजिएगा सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे क्या है ऊपर में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फर्स्ट वाले में क्या है कुछ नहीं लिखा हुआ है ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स लिखा हुआ है एसेट्स तो हमेशा गुड्स ही होता है थर्ड पॉइंट में बहुत कैटेगरी लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ तो बेसिकली ये थर्ड पॉइंट जो है प्रिंसिपल एंड एजेंट का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग समझेंगे आगे एंड लास्ट पॉइंट का इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाई अ पर्सन फ्राम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टरस इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाई अ परसन फ्रॉम एनी और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दर एंसनेस तो एक ही करके समझते हैं पहला वाला क्या है परमानेंट ट्रांसफर ओके तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल बिजनेस क्या है अभी ये क्या है कि जो डिस्पोजल और जो ट्रांसफर है ये क्या होना चाहिए सो फर्स्ट कंडीशन क्या है देर मस्ट बी डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस मतलब आपके बिजनेस तो जैसे मेरा एक सी ए फॉर्म है उसमें बिजनेस मेरा क्या हो सकता है बहुत सारी चीजें एक लैपटॉप हो सकता है तो अगर वो लैपटॉप को मैंने परमानेंटली किसी को दे दिया और डिस्पोज ऑफ कर दिया भाई ये यूज में नहीं है मेरा मैं इसको डिस्पोज करता हूँ दूसरा क्या है कि ये जो है ट्रांसफर डिस्पोजल जो है परमानेंट होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो दिन के लिए दिए फिर वापस ले आए ऐसा नहीं है एंड आई टी सी मस्ट हैव बिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मस्ट हैव बिन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस असेट्स मतलब मेरा सी ए फॉर्म है मैं उस फॉर्म पे मैं जब ये लैपटॉप परचेज किया तो उस पर इनपुट क्रेडिट मुझे परचेज के टाइम पे जो टैक्स लगता है हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था तो उसका मैंने बेनिफिट लिया हुआ है तो अगर उसका बेनिफिट लिया हुआ है इस लैपटॉप पे इस लैपटॉप को मैंने परमानेंटली या तो किसी को दे दिया या डिस्कार्ड कर दिया कि यूज में नहीं है तो उन सब केसेस में मुझे डिस्कार्ड करने पे या फिर ट्रांसफर करने पे पैसे मिले हो ना मिले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सप्लाई हो जाएगा गॉट इट एग्जाम्पल देखते हैं ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बिंग यूज इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या हुआ ध्रुव जो है अब उसका जो बिजनेस में लैपटॉप यूज हो रहा था पुराना लैपटॉप uh, उसको उस उसने अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे मतलब फ्रेंड को दे दिया भाई ले जाओ तुम तो अब यूज करो मुझे नहीं चाहिए ये उस केस में क्या होगा फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कोई कंसडेशन नहीं है फिर भी ये सप्लाई होगा क्यों सप्लाई होगा बिकॉज ये उसका बिजनेस सेट है एंड इस पर उसने इनपुट क्रेडिट लिया हुआ है अगर इस पर उसने इनपुट क्रेडिट नहीं लिया होता तो मतलब ये लैपटॉप पे उसने इनपुट क्रेडिट नहीं लिया कोई भी रीजन हो इनपुट क्रेडिट नहीं लिया तब क्या होता तब ये सप्लाई नहीं होता बिकॉज ये जो तीन कंडीशन है आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कंपलसरी है कि आप अवेल किए हैं तभी वो आपका सप्लाई होगा अदरवाइज वो सप्लाई नहीं होगा दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एयर कंडीशनर का एक डीलर है उसके पास एक गाड़ी है एक कार है उसने किसी को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट अब मोटर व्हीकल पे जो है आईटीसी जो है नहीं मिलता है वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस पर आई का बेनिफिट नहीं मिलता अब ITC का बेनिफिट है नहीं ये कंडीशन सेटिसफाई नहीं हुआ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी गया तो ये आपका सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा क्लियर अभी आप लोग दूसरे वाले में आते हैं जो एक्टिविटीज विदाउट कंसिडेशन में जो सेकंड पार्ट था ना फर्स्ट तो हो गया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल सेकंड पार्ट में क्या था सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंग तो हम लोग अभी समझेंगे कि रिलेटेड पर्सन क्या है अब पर्सन में हम लोगों ने देखा पर्सन मतलब तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है पर्सन मतलब तो क्या होता है कंपनी भी हो सकता है फॉर्म भी हो सकता है सोसाइटी भी हो सकता है तो सभी लोग पर्सनस हैं तो बहुत सिंपल सा है ये कि रिलेटेड पर्सन किसको कहते हैं बहुत सिंपल है बस एक बार रीडिंग लगाएंगे समझ जाएंगे तो पहला क्या है पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ तो जैसे दो कंपनी हैं दो कंपनी है एक कंपनी आपकी एक कंपनी मेरी है एक कंपनी में

थर्ड परसेंट कंट्रोल ओन्स होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन इक्वल टू ट्वेंटी राइट इन बोथ ऑफ दि तो आप सपोज कीजिए कि एक कंपनी ऑफ फॉर्म है दो कंपनी फॉर्म है और तीसरा कोई बंदा है मैं हूँ मेरा जो है दोनों कंपनीियों फॉर्म में ट्वेंटी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट से अधिक का राइट मतलब एक फॉर्म है दूसरे फॉर्म में दोनों फॉर्म में मैं कंट्रोल करता हूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा का वोटिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट उससे ज़्यादा मेरा वोटिंग राइट है दोनों फॉर्म में तो ये दोनों फॉर्म जो है ये रिलेटेड पर्सन हो गए मैं तो रिलेटेड हूं ही मैं अपने फॉर्म के लिए रिलेटेड हूं ही क्योंकि मैं वहां पार्टनर हूं या फिर डायरेक्टर हूं तो मैं तो रिलेटेड हूं ही बट ये जो दो फर्म है जिसमें मेरा ट्वेंटी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ज्यादा होल्डिंग है ये दोनों फर्म भी रिलेटेड पर्सन हो गए उसके बाद क्या है वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सो दो कंपनी है बहुत सिंपल से दो फर्म है एक फर्म दूसरे फर्म को कंट्रोल करती है तो दोनों रिलेटेड हो गए दूसरा क्या है थर्ड बंदा है दोनों को कंट्रोल करता है जैसे मैं पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि दो फॉर्म है मैं दोनों फॉर्म को कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं भी रिलेटिव हो गया दोनों फॉर्म भी रिलेटिव हो गए सच पर्सन टूगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडायरेक्टली थर्ड पर्सन अब मैं और आप मिलकर एक फॉर्म एक कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो क्या हुआ तो मैं भी रिलेटिव हूँ कंपनी भी रिलेटेड है वो बंदा भी रिलेटेड हो गया पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली पर्सन और मेम्बर्स ऑफ़ सेम फैमिली सेम फैमिली मतलब मेरी फैमिली में मेरे वाइफ मेरे बच्चे हो गए मेरे पेरेंट्स हो गए ब्रदर्स हो गए सिस्टर्स हो गए तो पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो सेम फैमिली में कहलाएंगे अदरवाइज मेरे आ, 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 मे, मेरी जो वाइफ है और मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी फैमिली होंगे सो सेम फैमिली मतलब क्लियर स्पाउस एंड चिल्ड्रेन वो हो गया एंड उसके बाद अगर पेरेंट्स सिस्टर एंड ब्रदर अगर डिपेंडेंट जो जो आपके ऊपर है वो आपके आ, आ, फैमिली के मेम्बर हैं एंड वो सब आपके रिलेटेड पर्सनस हैं वन ऑफ देम इज़ अ सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर सोल कंसेशनर ऑफ अदर मतलब मैं एक कोई बिजनेस चला रहा हूँ मेरा कोई एजेंट है कहीं पे तो मैं और मेरा एजेंट रिलेटेड पर्सन है डिस्ट्रीब्यूटर मेरा कोई है वो रिलेटेड पर्सन है सोल कंसेशनर्स है मैंने अगर किसी को लीजिंग uh, राइट right दिया हुआ है तो वो हम दोनों भी रिलेटेड पर्सन हैं सोल कंसेशनर है मतलब उसकी को अपना राइट है वो हम लोग वो लोग रिलेटेड पर्सन है तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसको माइंड में रखने एक बार देखने से समझ में आ जाएगा सो रिलेटेड पर्सन हम लोगों ने देखा कि कुछ भी हो सकता है मतलब ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल ही हो दो कंपनी भी रिलेटेड दो फॉर्म भी रिलेटेड हो सकते हैं एक कंपनी एक इंडिविजुअल भी रिलेटेड हो सकते हैं अभी आते हैं कि एक वर्ड था कि गिफ्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई तो एक तो क्लियर है कि इम्प्लॉय एम्प्लॉई जो है रिलेटेड पर्सन है कोई डाउट नहीं है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज बाय इम्प्लॉई एंड कॉम्पेंसेशन पेड बाय एम्प्लॉय तो अगर मैं कहीं जॉब करता हूं किसी कंपनी में एंड कंपनी मुझे सैलरी देती है तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप जो जॉब कर रहे हैं आप सर्विस कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी आपको कंसिड्रेशन के रूप में आपको कॉम्पेंसेशन देती है आपको सैलरी देती है तो ये सप्लाई तो अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो ये सप्लाई तो है ही बट प्रॉब्लम क्या है इस सप्लाई में कि आगे जाकर देखेंगे इस सप्लाई को सप्लाई नहीं माना गया है तो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था ना कि शेड्यूल है शेड्यूल में दिखा लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन कि जो भी इस शेड्यूल में डाला हुआ है वो सप्लाई नहीं होगा सप्लाई है भी तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा तो इम्प्लॉयर एम्प्लॉ का जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो कॉम्पनसेशन है जो आप जो सैलरी लेते हैं एंड जो अपने सैलरी बदले जो अपना एम्प्लॉय सर्विस देते हैं वो बेसिकली सप्लाई नहीं आगे हम पढ़ेंगे वो सप्लाई नहीं है सो so, बट ये जो सप्लाई नहीं है क्या सप्लाई नहीं है एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को सर्विस दिया वो सप्लाई नहीं है अभी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं एम्प्लॉयी को तो वो सब अगर पचास हजार तक दिया है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं होगा अदरवाइज देखिए क्या होता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आप अगर डिसकनेक्ट हो गए तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई मतलब एक्टिविटीज़ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि विदाउट कंसिड्रेशन है वो भी डीम्ड सप्लाई होगी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिलेटेड पार्टी में अगर कंसिड्रेशन नहीं है तो भी वो डीम्ड सप्लाई होगा वो सप्लाई माना जाएगा तो इम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉ रिलेटेड पार्टी है तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अगर इम्प्लॉयर ने इम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया सपोज़ ये मुझे लैपटॉप मेरी कंपनी ने मुझे दे दिया तो अगर ये लैपटॉप का वैल्यू पचास हज़ार तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एग्जाम इस पर कोई टैक्स ये सप्लाई नहीं होगा बट ये कंपनी सपोज कीजिए ये आप ये जो लैपटॉप है वो एप्पल का लैपटॉप है एक लाख का लैपटॉप है कंपनी ने मुझे दे दिया तो कंपनी ने मुझे क्या दिया एक गुड्स दे दिया इन फॉर्म ऑफ लैपटॉप बदले मेरे से क्या लिया कुछ नहीं लिया क्योंकि तो गिफ्ट में दिया है तो कंसिड्रेशन कुछ नहीं है लेकिन क्या है बट मैं और मेरा इम्प्लॉयर रिलेटेड पार्टी है कंसिड्रेशन कुछ नहीं है बट इसका वैल्यू जो है पचास हज़ार से ज़्यादा है तो ये सप्लाई हो जाएगा अगर पचास हजार तक इसका वैल्यू होता तो ये सप्लाई में नहीं आता पचास हज़ार से ऊपर वैल्यू हो गया इसलिए ये सप्लाई में आएगा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिसाइड वेदर दीज इंडिपेंडेंट केसेस आर सप्लाईज और नॉट तो दो केसेस हैं दोनों केसेस इंडिपेंडेंटली दोनों में कोई लिंक नहीं है इंडिपेंडेंटली दोनों केसेस को देखेंगे कि सप्लाई क्लब फैसिलिटी वैल्यूइंग रुपीज़ वन लाख गिवन टू सी एफ ओ ऑफ द कंपनी एक केस है दूसरा के है, केस क्या के है फ्री हाउसिंग सब फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू सी ई कंपनी इज पेइंग रुपीज़ टू लाख पर एन एम एज रेंट टू द दोनर ऑफ द हाउस सो फर्स्ट केस में क्या है सी एफ ओ को एक लाख का क्लब फैसिलिटी मिला हुआ मतलब उसको क्लब में जाने की अनुमति आप क्लब में जाइए उसका फैसिलिटी यूज कीजिए कंपनी ने उसका पैसा दिया हुआ है क्लब को दूसरा क्या हाउसिंग फैसिलिटीज एक कंपनी के सी को मिला हुआ है दो लाख रुपये उसके ऊपर जो रेंट है वो कंपनी बियर करती है तो इन दोनों केसेस में क्या होगा बेसिकली ये सब जो पैकेजेस होते हैं ना जो कंपनी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है सी एंड सी को उसमें ये इंक्लूडेड होते हैं मतलब जो इम्प्लॉई सी एफ जो कंपनी को सर्विस देता है एम्प्लॉयमेंट सर्विस उसके अगेंस्ट में जो सैलरी मिलता है ये बेसिकली जो ये दोनों है क्लब फैसिलिटी या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्री हाउसिंग फैसिलिटी ये सब क्या है पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन है एंड हम लोगों ने क्या देखा कि पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन जो है जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे वो सप्लाई नहीं है इसलिए ये सप्लाई नहीं होगा क्लियर ओके okay. अब आते हैं डिस्टिंग पर्सन सो जो एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिड्रेशन है उसमें ये भी है कि अगर डिस्टिंग पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इवन कोई कंसट्रेशन नहीं भी है तो ये सप्लाई होगा अब पहले हम लोग डिस्टिंग पर्सन क्या है वो समझते हैं सपोज कीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड अब इनकम टैक्स अगर आपने लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि एक कंपनी अगर आई या ए लिमिटेड है उसका पूरे इंडिया में ब्रांच है सब जगह ब्रांच है लेकिन जब इनकम टैक्स में पैन नंबर लेने जाता है वो तो ब्रांच से कोई मतलब नहीं पैन नंबर एक ही मिलता है एक कंपनी का एक पैन नंबर होता है तो एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसका पूरे इंडिया में है पूरे इंडिया में सब कुछ फैला हुआ है इसका तो इसका ए लिमिटेड का बिजनेस हम लोग एग्जाम्पल के पर्पज से ए लिमिटेड ने इनकम टैक्स में एक पैन नंबर लिया हुआ है क्लियर परमानेंट अकाउंट नंबर ए लिमिटेड को इनकम टैक्स में है अब ए लिमिटेड का जो ऑपरेशन है वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन है बिजनेस ऑपरेशन तेलंगाना में है एंड बिजनेस ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में है वेस्ट बंगाल में क्या है उसने जीएसटी का दो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है मतलब दो टाइप का बिजनेस है तो उसने उसको सेग्रेट करके अलग अलग रजिस्ट्रेस तो हम लोग जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना तो कितने रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है एंड ऑल वो सब समझेंगे अभी बेसिक समझते हैं कि आपको जितने स्टेट्स में बिजनेस है अगर आपको वेस्ट बंगाल में बिजनेस है तो वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तेलंगाना में बिजनेस है तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में बिजनेस है तो उत्तर प्रदेश में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ये सिंपल रूल है अभी किसी स्टेट में आप दो भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अगर आप सपोज कीजिए वेस्ट बंगाल में वो दो काम करता है तो उसने डिसाइड किया अभी मैं हर एक काम के लिए ऑप्शनल है हर एक काम के लिए अलग अलग, अलग, अलग रजिस्ट्रेशन लूँगा तो वेस्ट बंगाल में जो उसका बिजनेस है उसने उसके लिए दो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तेलंगाना में जो बिजनेस है उसके लिए जीएसटी का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उत्तर प्रदेश में जो बिजनेस है वो मे भी बहुत छोटा बिजनेस है वो जी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो उसने जी रजिस्ट्रेशन उसका नहीं लिया हुआ है तो वेस्ट बंगाल में दो रजिस्ट्रेशन तेलंगाना में एक रजिस्ट्रेशन यूपी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है बट उसके ऑपरेशन क्या है तीन स्टेट्स में है अब ये जो जीएसटी के जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं या फिर जो रजिस्ट्रेशन नहीं है ये सारे एक दूसरे में डिस्टिंकट पर्सन होंगे मतलब ये कि एक बंदा जो है वन पर्सन विद सेम पैन नंबर हु इज़ हैविंग मल्टीपल जीएसटी नंबर और एनी यूनिट विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दैट केस ऑल दीज आर डिस्टिंग पर्सन टू इच अदर गॉट इट क्लियर सिंपल सर एक पैन नंबर के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो सारे रजिस्ट्रेशन एक दूसरे के लिए डिस्टिंट पर्सन होंगे उसके बीच जो कोई ट्रांजेक्शन अगर होगा वो ट्रांजेक्शन इवन इफ दे इज नो कंसिड्रेशन उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा उसको सप्लाई माना जाएगा एंड दूसरा अगर किसी स्टेट में छोटा सा बिजनेस है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी बिना रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो यूनिट जो है वो यूनिट जो है उत्तर प्रदेश का यूनिट डिस्टिंग पर्सन होगा इन लोगों के लिए जो बंगाल में यूनिट है जो तेलंगाना में यूनिट है उसके लिए ये यूपी का भी यूनिट जो है वो डिस्टिंग पर्सन ही कहलाएगा सो so, मतलब ये है कि अगर तेलंगाना से कोई माल यूपी उसने भेजा है तो इवन इफ कोई कंसिडर मतलब माल आपने भेजा है सेम कंपनी है तो कोई पैसा तो वापस आएगा नहीं वो यूपी से सेम कंपनी में तो आपने माल तो भेज दिया कोई कंसिडेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी ये जो माल जो तेलंगाना से यूपी भेजा है

एक यूनिट रजिस्टर्ड यूनिट है लखनऊ में एंड दूसरा दिल्ली में उसका शोरूम है रजिस्टर्ड शोरूम है मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड तो लखनऊ फैक्ट्री से उसने मेटेरियल को उठा के दिल्ली में भेजा है उठा के भेज तो दिया ट्रांसफर कर दिया सेम कंपनी है कोई पैसा तो नहीं आएगा विदाउट कंसिडरेशन है बट हम लोगों ने क्या पढ़ रहे पढ़ रहे हैं अभी कि डिस्ट्रिंक्ट पर्सन के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है इवन इफ कोई कंसिड्रेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी वो सप्लाई होगा तो ये आपका सप्लाई हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन आते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि कि जो लखनऊ वाला फैक्ट्री जो है वो तो रजिस्टर्ड है जीएसटी में बट दिल्ली में जो शोरूम है छोटा शोरूम है वो रजिस्टर्ड नहीं है दूसरा सिनेरियो है तो हम लोगों ने क्या ऊपर में देखा था कि यूपी वाला जो यूनिट था बहुत छोटा सा था रजिस्टर्ड नहीं भी था बट दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए तो ये और ये जो है डिस्टिंग पोर्सन होंगे मतलब यहाँ जो मेटल इस पर गया है रजिस्टर्ड लखनऊ फैक्ट्री से दिल्ली के गोडाउन अन शोरूम में इसको सप्लाई हम लोग मानेंगे सो तो आंसर यही है टू डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेडरी आर इन्वॉल्व हेंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर यूनिट डज नॉट मैटर मतलब यहाँ पे दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन नहीं उसे कोई मतलब नहीं है अपने को दो स्टेट हो गए मतलब दोनों डिस्टिंग पर्सन होंगे एंड दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा वो सप्लाई होगा अगर कंसिड्रेशन नहीं भी है तो लखनऊ फैक्ट्री से स्टॉक ट्रांसफर हुआ कानपुर के शोरूम में अब यह <coughs> क्या है कि लखनऊ भी यूपी में है कानपुर भी यूपी में है दोनों के लिए क्या है कि जो कंपनी है उसने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है तो सेम रजिस्ट्रेशन है सेम स्टेट है तो जो भी मूवमेंट हो रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट ये सप्लाई नहीं होगा क्योंकि या तो रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होने चाहिए एक ही स्टेट में है नहीं तो स्टेट चेंज होना चाहिए तभी वो डिस्टिंग पर्सन होगा अदरवाइज ये डिस्टिंग पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा मतलब सिंपल से क्या है सिंपल से ये है कि जब आप यूपी में इस बंदे ने रजिस्ट्रेशन लिया तो उसने दिखाया कि मेरा बिजनेस प्लेस लखनऊ भी है कानपुर भी है और पाँच छे और भी है तो एक ही रजिस्ट्रेशन एक ही आदमी वो हो गया एक ही पर्सन हो गया तो एक ही पर्सन में अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है तो वो सप्लाई नहीं हो सकता है क्लियर मतलब ये हुआ कि ये लखनऊ फैक्ट्री एंड कानपुर शोरूम जो है डिस्ट्रिंक्ट पर्सन नहीं है वो एक ही पर्सन है डिस्ट्रिंट पर्सन नहीं है ओके okay? तो ये सप्लाई नहीं होगा अब थर्ड वाला जो था विदाउट कंसिड्रेशन वाला में थर्ड प्रिंसिपल एजेंट वाला जो सप्लाई था तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो प्रिंसिपल एजेंट का जो कंडीशन है वो सिर्फ गुड्स में अप्लीकेबल है सर्विस के केस में अप्लीकेबल नहीं सिर्फ अपने गुड्स देखेंगे अब ये कब अपलिकबल होगा अप्लीकेबल तब ये होगा मैं पढ़ता हूँ इफ एजेंट वाइज सेलिंग द गुड्स टू कस्टमर इशू इन वॉइस अंडर हिज नेम मींस नेम दे देट मीन्स एजेंट नेम देन गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल इज सप्लाई मतलब ये हुआ कि एजेंट जो है वो सेलिंग एजेंट है सेलिंग एजेंट से प्रिंसिपल से गुड्स आया एंड एजेंट क्या करता है जब सेल करता है तो प्रिंसिपल के नाम पे नहीं करता है वो अपने नाम पे करता है वो जो इन्वॉयस काटता है वो इन्वॉयस जो बनाता है टैक्स इन्वॉयस जो बनाता है सेल के समय पे वो टैक्स इन्वॉयस अपने नाम पे बनाता है मतलब वो दिखाता है कि मैं सेल कर रहा हूँ कस्टमर को प्रिंसिपल का नाम उसमें नहीं दिखाता है तो इस केस में क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटिटी हो गए मतलब कि प्रिंसिपल एक हो गया प्रिंसिपल जब मेटल एजेंट को भेज रहा है तो वो सप्लाई हो जाएगा जब एजेंट अपने कस्टमर को सेल कर रहा है तो वो सप्लाई हो जाएगा क्लियर हुआ तो क्लियर मैं फिर से रिपीट करता हूँ यह है कि एक सेलिंग एजेंट है अपना हम लोगों ने सेलिंग एजेंट को मेटेरियल भेजा बेचने के लिए जब सेलिंग एजेंट सेल कर रहा है तो सेलिंग एजेंट सेल कैसे करता है इन जो टैक्स इन बनाता है कस्टमर को वो अपने नाम पे इन बनाता है मतलब दिखाता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ मैं बेच रहा हूँ इसको मतलब सेलर के नाम में उसका नाम लिखा रहता है बायर में उसका कस्टमर का नाम लिखा रहता है इस केस में क्या होगा कि जो एजेंट है वो अपनी कैपेसिटी में सेल करता है इसलिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल ने पहले जो मेटेरियल भेजा वो सप्लाई हो जाएगा दो एजेंट उसको कुछ कंसिड्रेशन उस समय नहीं दे रहा है बट वो सप्लाई काउंट होगा क्लियर सेम लाइन में अगर एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहार में प्रोक्योर करता है और जो बिल आता है उसके पास वो एजेंट के नाम में अगर आता है इन डायरेक्ट केस मतलब बायर में अगर एजेंट का नाम लिखा हुआ है इन डायरेक्ट केस बाद में वो जो मेटेरियल वो प्रिंसिपल को भेजेगा वो सप्लाई हो जाएगा मतलब दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे एक ट्रांजेक्शन जो जो ऑरिजिनल जो मैनुफैक्चर और सप्लायर जो एजेंट को भेजा है वो एक सप्लाई होगा जिसपे जो मैनुफैक्चर और सप्लायर ने टैक्स चार्ज किया होगा दूसरा क्या सप्लाई होगा दूसरा सप्लाई होगा जब एजेंट प्रिंसिपल को मेटेरल भेज रहा है वह मेटेरियल प्रिंसिपल के लिए खरीदा तो प्रिंसिपल को भेजना पड़ेगा तो जब एजेंट प्रिंसिपल को मेटरल भेज रहा है तो वहाँ पे कोई कंसिड्रेशन नहीं है एजेंट प्रिंसिपल एजेंट को कोई मेटर uh, का वैल्यू नहीं दे रहा है उस केस में विदाउट कंसिड्रेशन बट ये सप्लाई हो जाएगा तो बेसिक रूल क्या है रूल ये देखना है कि एजेंट अपने नाम पे ट्रांजैक्शन सेल और परचेज अपने नाम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर एजेंट सेल और परचेज अपने नाम पे कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा और सप्लाई जो प्रिंसिपल ने किया या प्रिंसिपल को जो वो भेज रहा है मेटल वो सप्लाई हो जाएगा तो एक एग्जाम्पल है क्विकली पढ़ लेते हैं जो मैंने बताया वही है मिसर्स टिनटिन अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मंदार ऑप्शनर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स

जो इन्वाइस में रेज किया है इसने प्रिंसिपल ने रेज किया है एजेंट ने रेज नहीं किया है मतलब ये हुआ कि एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है वो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये जो इन्वाइसेज किसने रेज किए हैं जो फाइनल कस्टमर जो अल्टीमेट कस्टमर बीडर को जो इन्वाइस रेज किए हैं वो बैंकर ने प्रिंसिपल ने रेज किए हैं जो प्रिंसिपल इन्वायस रेज करता है तो इसके इसमें एजेंट का और प्रिंसिपल का जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई नहीं होगा हमने उन्होंने ऊपर पढ़ा है कि एजेंट अगर अपने नाम में सेल और परचेज का बिल लेता है और देता है तभी वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो मोवमेंट है वो सप्लाई होगा अदरवाइज वो सप्लाई नहीं होगा तो वही लिखा हुआ है इन दिस सिनेरियो सीनेरियो दियर इज मीरली प्रोवाइडिंग दक्शनियरिंग सर्विसेज विथ नो रोल प्लेड इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इन दिस सिनेरियो मंदार इज नॉट एन एजेंट ऑफ मिसेज टिंटिन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ आर सो ठीक है सो so, मंदार जो है उसका वो वो जो एजेंट ट्रीट नहीं होगा एंड उसका जो सप्लाई उसके एंड उसके बीच प्रिंसिपल के बीच जो सप्लाई है ऑफ गुड्स है वो सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा रादर अभी एक स्पेसिफिक एजेंट वाले में हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक देख लेते हैं एक डेल क्रेडेडर एजेंट होते हैं डेल क्रेडर आपने फाउंडेशन लेवल पे एंड ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा होगा डेल क्रेडेड एजेंट बेसिकली क्या एक सिंपल एजेंट ही है बट ये क्या करता है कि ये जब सेल करता है ना किसी प्रिंसिपल को गुड्स तो ये गारंटी करता है कि आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा मतलब अगर सौ रुपये का सेल किया तो अगर उसका टर्म्स एंड कंडीशन में है वो फिफ्टी परसेंट पेमेंट आना ही आना है तो फिफ्टी परसेंट ये जो डी सी ए है गारंटी करता है प्रिंसिपल को मिलेगा अगर बायर पे नहीं करता है कस्टमर पे नहीं करता तो डी सी ए फिफ्टी परसेंट पे करता है इतना ही डिफरेंस है डेल क्रेडिटर एजेंट पेमेंट को एक मिनिमम परसेंटेज मिनिमम गारंटी अमाउंट को फिक्स रहता है उसको एश्योर करता है कि ये प्रिंसिपल को मिलेगा ही मिलेगा और कोई चेंज नहीं है तो लॉजिक डेल क्रेडिटर एजेंट के केस में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि अगर डील क्रेडिट एजेंट जब सेल करता है अपने नाम में इनॉयस देता है तो प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा एंड विदाउट कंसिड्रेशन भी सप्लाई होगा सेम लाइन राइट बस वही देखना है कि इन कौन इशू कर रहा है अगर डील क्रेडेट डी सी अपॉइंटेड है एंड वो डी सेल करता है सेल के टाइम पे प्रिंसिपल अगर इन रेज करता है तो वो प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा सप्लाई नहीं होगा सप्लाई क्या नहीं होगा प्रिंसिपल एंड डीसीए के बिटवीन जो गुड्स का मूवमेंट है वो सप्लाई नहीं होगा सो डीम्ड सप्लाई में एक्टिविटीज सप्लाई में जो लास्ट वाला है वो है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया सो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ इंडिया से बाहर या तो मेरा कोई रिलेटेड पर्सन है और मेरा कोई ओन इस्टेब्लिशमेंट है इसमें क्या कंडीशन था आपको कंडीशन याद है कि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए आपको कंडीशन याद है क्या था कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ ये कंडीशन इसका था ये वाला देखिए लास्ट वाला इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए ओके सॉरी थोड़ा मैं आगे निकल गया हाँ सो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं झुमरू एसोसिएट जो दिल्ली में सिचुएटेड रिसीव्ड लीगल consultancy services from his head office located in Malaysia. The head office has rendered such services free of cost to its branch office branch office means uh, Delhi office since Jhumru associate and his head office are related persons, services received by Jhumru associates Delhi will qualify supply even though the head office has not charged anything from it. मीन्स झुमरू एसोसिएट न्यू दिल्ली ने जो सर्विसेज लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने हेड ऑफिस मलेशिया से यहाँ पे लिया है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गए हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्योंकि दोनों लीगल फॉर्म ही है उसका उसका खुद का ऑफिस है लीगल कंसल्टेंसी फॉर्म है तो विद इन बिजनेस है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं भी है कोई कंसल्टेशन इन्वॉल्व नहीं भी है तो ये सप्लाई होगा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चकमक अप्रोपरेटर रजिस्टर इन दिल्ली उस इन दिल्ली विथ रिस्पेक्ट टू वॉट न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली सो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है इन दूर्स नहीं है तो so, ये सप्लाई नहीं होगा सो so, आंसर क्या है ऑल द सर्विस मक विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन रिलेटेड पर्सन येट इट विल नॉट क्वालीफाई सप्लाई सिंस सेम हेज नॉट बीन रिसीव्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्लियर एक दो स्पेशल ट्रांजेक्शन अभी देखते हैं सो स्पेशल ट्रांजेक्शन में क्या है कि फ्री सैम्पल एंड गिफ्ट्स फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट बहुत जगहों पर बहुत कंपनियाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वहाँ पर देखना है कि अगर रिलेटेड पार्टी है गिफ्ट के केस में क्या होता है कोई कंसडेशन नहीं होता है फ्री सैम्पल के केस में क्या है कोई कंसडेशन नहीं होता है देखना वहाँ पे यही है कि रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंग पर्सन है तो ही वो सप्लाई होगा अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा जैसे मैं किसी दुकान पे गया उसने मुझे गिफ्ट में कुछ दे दिया तो वो दुकान वाला मेरा कोई रिलेशन में नहीं है मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है वो तो वो सप्लाई नहीं होगा फ्री सैंपल एंड गिफ्ट बाई वन गेट वन जैसे आप बहुत बार क्या होता है कुछ खरीदने जाते हैं बेसिकली ये कपड़े के केस में ज़्यादा होता है कि दो कपड़े खरीदे एक कपड़े फ्री है तीन कपड़े खरीदे चौथा कपड़ा फ्री है उस केस में क्या होता है तो आपको जो जो आ, आपको जो कंसड्रेशन जो मनी देना है जो पैसे देने होते हैं वो आप तीन कपड़े के देते हैं बदले में आपको चार कपड़े मिलते हैं तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे उसको ट्रीट करेंगे कि चार कपड़े का प्राइस जो है जो आपने पे किया वो है सो तो इसमें कोई कुछ नहीं है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है आपको सिंपल से देखना है कि आपको कितना मिला है तीन आपने खरीदा एक फ्री मिला है तो आपको चार मिला है तीन के प्राइस पे तो चार का प्राइस तीन हो जाएगा एंड जो प्राइस आपने पे किया है वो चारों का प्राइस माना जाएगा और उसी प्राइस पे टैक्स लगेगा आपको ओके अब फोर्थ पार्ट में आते हैं फोर्थ पार्ट क्या था फोर्थ पार्ट वही वाला था आ, आ, कि आ, जो एक बार तो सप्लाई हो गया डिसाइड कर लिया कि आपने ये एक्टिविटी सप्लाईज है अब वो सप्लाई हो गया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा सो शेड्यूल टू वही डिसाइड कर रहा है शेड्यूल टू जो हम लोग अभी तीन चार पार्ट में देखेंगे अभी सो शेड्यूल सॉरी शेड्यूल टू में वही है कि जो एक्टिविटी डिसाइड होगा कि सप्लाई है अब वो गुड्स है सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ़ सर्विस है शेड्यूल टू डिसाइड कर रहे हैं बहुत लॉजिकल है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप देखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा एनी ट्रांसफ़र एक एक करके पढ़ते हैं एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स मतलब एक सेल गुड्स को सेल कर दिया तो गुड्स को सेल किया तो सिंपल से वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा सर्विस होने का कोई क्वेश्चन नहीं है बहुत सिंपल सेकेंड देखते हैं एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मतलब क्या है कि आपने फ्लैट को जो है रेंट पे दे दिया मतलब आपने ट्रांसफर राइट उसका ट्रांसफ़र नहीं किया ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया है सिर्फ रेंट पे दिया है यूज़ करने के लिए दिया है उस केस में क्या है ऑनरशिप टाइटल ऑफ गुड्स जो है वह ट्रांसफर नहीं हो रहा है इनकेस में क्या हो जाएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेस हो जाएगा बहुत क्लियर है थर्ड क्या है एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स डैट प्रॉपर्टी shall पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल consideration, मतलब ये है कि आज के डेट में लिखा हुआ है कि आपको दिया है गुड्स आपको ये लैपटॉप दे दिया है आप जैसे मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं मोबाइल फ़ोन जब परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है आप ई एम आई पे लेते हैं ई एम आई पे लेते हैं या फिर कंपनी का पॉलिसी तो भैया आप स्कैटर्ड पेमेंट करो आज दस रुपये करो बाद में बैलेंस पेमेंट छः महीने के ऊपर करना तो जैसे आप स्कैटर पेमेंट करते हैं छः छः महीने में पेमेंट छः महीने में मंथली छ छः महीने में पेमेंट करते हैं तो आपको ई मिल गया तो उस सब केसेस में क्या होता है वो सब केसेस में आपको गुड्स तो मिल गया गुड्स पे आपका टाइटल हो गया बस एक यही है कि कंसिड्रेशन जो है वो फ्यूचर डेट पे फुल कंसिड्रेशन जो है एक साथ पे नहीं हो रहा बार बार किसी फ्यूचर डेट पे बाद में पेमेंट हो रहा है उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सप्लाई गुड्स ही होगा नेक्स्ट आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के केस में एनी लीस्ट टेनेंसी इजमेंट लैंड बिल्डिंग अभी जो लैंड बिल्डिंग आप रेंट पे देते हैं तो क्या है सिंपल है ऑनर तो ट्रांसफर होता नहीं है ऑनरशिप जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जितने रेंटल लीजिंग है सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसेस सो जैसे आपने किसी ये जैसे लैपटॉप है इस लैपटॉप को आपने एक रिपेयरिंग सेंटर पे ले जाकर दिया उसने उस पर कुछ प्रोसेस किए ठीक ठाक कर दिया तो आपका जब डिफेक्टिव था उसको चेंज करके लगा के ठीक कर दिया तो जब ये जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस किया है इसको क्या कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज है बेसिकली नेक्स्ट आते हैं उसमें देखिए एक और चीज़ है जैसे लैपटॉप को मैंने एग्जाम्पल दिया तो जो उसने लेबर लगाया जो ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस किए वो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे एंड जो उसने अगर कुछ पार्ट्स चेंज किए हैं तो पार्ट्स जो चेंज किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा एक बार हम लोग इसको बाद में और देखेंगे लास्ट में ना इसका एक डिटेल्ड है कॉम्पोइ सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई उसमें देखेंगे इसको तो फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं वो सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगे नेक्स्ट क्या है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज बाय वे और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैनिंग सो सिंपल सा है वेदर वो तो आप लोगों ने देखा था कि बिज़नेस एसेट्स जो आप ट्रांसफर करते हैं कंसिड्रेशन होना हो वो सप्लाई में आता है तो सप्लाई ऑफ वाट तो बिजनेस एसेट्स तो गुड्स है तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा लॉजिकल है नेक्स्ट है गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और इन मेड अवेलेबल टू एनी अ पर्सन अभी मेरा एक बिजनेस एसेट्स है मतलब ये लैपटॉप जो है मैंने मेरे बिजनेस के लिए है ये मेरे ऑफिस के लिए है मैंने इसको पर्सनल यूज में ले आया मतलब परमानेंटली नहीं है मतलब मैं पर्सनली में लाया हूँ फिर उसको वापस ऑफिस में रख दूंगा तो मैं यूज कर रहा हूँ इसको जब यूज़ कर रहा हूँ रिलेटेड पार्टी में यूज हो रहा है कंसिड्रेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई होगा तो ये जो यूज है ये यूज क्या होगा ये यूज एसेट तो ट्रांसफर नहीं हो रहा परमानेंटली तो ये यूज है ये यूज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे नेक्स्ट क्या है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन हु सीज टू बी अ टैक्सीबल पर्सन अभी मेरे बिजनेस में कुछ मैं ट्रेडर हूँ सपोज कीजिए मैं लैपटॉप बेचता हूँ तो मैंने दस लैपटॉप खरीद रखा हुआ पांच तो बिग है पाँच तो बिक गए पाँच मेरे स्टॉक में पड़े हुए और उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया है टैक्सीबल पर्सन नहीं हूँ मैं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया है तो मेरे इन्वेंट्री में जो पाँच हैं पड़े हुए हैं वो वाला जो है वो सप्लाय गुड्स हो जाएगा राइट कब वो होगा जैसे ही मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जाऊंगा इमिडिएटली बिफोर मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले ये वाला मेरा सप्लाई गुड्स हो जाएगा बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर गोइंग कंसर्ट्स में मेरा बिजनेस मतलब मैंने एक कंपनी मेरी कंपनी चल रही है मैंने उस कंपनी को क्या किया किसी और कंपनी में मर्ज हो गया वो गोइंग कंसर्न एज इट इज उस कंपनी में मर्ज हो गया अमालगाट हो गया तो ये क्या है गोइंग कंसर्न वाला सप्लाई नहीं होता है वो एक्जम्पन्स में हम लोग देखेंगे डिटेल में बिजनेस इज़ कैरिड ऑन बाई अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हू इज़ डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन तो राइट मैंने क्या है मैं पहले प्रोपराइटर था मैं खुद से अपना बिजनेस देख रहा अभी एक एजेंट अपॉइंट करते हैं ठीक है बिजनेस तो बंद नहीं है बिजनेस चल ही रहा है तो उस केस में कोई सप्लाई नहीं होगा नेक्स्ट आते हैं रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी मतलब कॉमर्शियल है कुछ रिलीजियस है जो भी है इमोल प्रॉपर्टी या हम लोग अपना मशीन वगैरह जो है कोई uh, मेरा ट्रक है मैंने ट्रक को किसी को रेंट पर दिया हुआ है तो जो भी है इमोबल प्रॉपर्टी है वो या फिर मतलब मोबाइल प्रॉपर्टी किसी को अगर हम लोगों ने रेंट पे दिया है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हम लोग करवाते हैं जैसे कोई बिल्डर है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है मेरे बिहार में मैंने मेरा खुद का एक लैंड था मैंने उस पर दे दिया कि भाई एक बिल्डिंग बना के दो तो बिल्डर को दिया है तो बिल्डर ने जो काम किया है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगे कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है सारा सप्लाई ऑफ सर्विस में ही कवर होगा अब सप्लाई ऑफ सर्विस में एक इसमें एक पॉइंट है एक पॉइंट ये है कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे मल्टी स्टोरेज इस्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है बड़ा सा उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं तो क्या होते हैं कुछ फ्लैट्स तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तभी बिक जाता है कुछ फ्लैट्स क्या है कंस्ट्रक्शन के बाद बिकते हैं राइट तो कैसे डिसाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए कम्पीटेंट अथॉरिटी जो होती है कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब जो बेसिकली हर एक स्टेट में अलग अलग कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देता है कि ये कम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो क्या करते हैं आपको कम्प्लीसन सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो जो एक कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होता है जब तक कम्पलीसन सर्टिफिकेट नहीं आया है तब तक अगर वो सेल हुआ वो फ्लैट सेल हुआ तो बेसिकली वो बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप जो तो है जो जिसको आपने सेल किया उसके बिहार में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस में होते हैं राइट right? जब वो कम्प्लीसन सर्टिफिकेट आपके पास आ गए बिल्डर के पास आ गया उसके बाद अगर वो कोई सेल किया तो कम्प्लेशन सर्टिफिकेट आने के बाद जो फ्लैट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है एंड आपने देखा है क्या जानते हैं आप कि गुड्स जो है गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी ही होता है एंड जो जी एस है वो किस पे अप्लीकेबल है गुड्स पे और सर्विसेज पे अप्लीकेबल है तो जब तक कम्प्लीसन सर्टिफिकेट नहीं मिला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपने फ्लैट बेच भी दिया तो आप क्या कर रहे हैं फ्लैट बेचा है लेकिन वो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए ऑनर के लिए तो जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होंगे एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गए तो वो गुड्स नहीं रहता है तो क्वेश्चन ऑफ़ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा जब गुड्स और सर्विस है ही नहीं तो उस केस में वो जीएसटी uh, एस से बाहर होगा तो अप टू रिसिप्ट ऑफ कंप्लीसन सर्टिफिकेट जो भी फ्लैट सेल हुए वो क्या होगा कंस्ट्रक्शन उसको माना जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स एंड उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करेंगे हम लोग लास्ट uh, नेक्स्ट क्या है टेम्प्रेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मैं एक राइटर ऑफ बुक हूँ तो मैंने दे दिया एक पब्लिशिंग हाउस को कि तो भाई इसका सॉफ्ट कॉपी आप निकालो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट मैंने उसको दे दिया तो जो कॉपीराइट दिए उसके लिए मुझे तो कुछ पैसे आएंगे तो ये सब सारी चीज़ें जो है जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन को कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कोई डेवलपमेंट राइट right होता है अपग्रेडेशन का इंप्लीमेंटेशन आई सॉफ्टवेयर अगर कोई है जैसे टैली वैली है या जो भी एस है उसमें जो डेवलपमेंट राइट्स वगैरह होते हैं या फिर यूज का जो राइट्स होता है अगर किसी को दिया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होंगे सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे अब एक और चीज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये है अग्रीन टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट मतलब ये क्या है कि आपका कुछ राइट right था आपने उस राइट right को छोड़ दिया भाई मैं नहीं लेता हूँ आपको कुछ करना था बट आपने बोला आपका मतलब आपका लीगल राइट आपको ये काम करना है बट आपने बोला ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में बोला भाई चलो ये नहीं करना है आपको तो आपने वो नहीं किया मतलब उसको टोलरेट किया तो ये सब क्या है जब आपने टोलरेट किया तो कुछ आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से समझाते हैं ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल क्या के है केबल ऑपरेटर एक है केबल ऑपरेटर सखाराम हैज़ इंटर इंटू एन अग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर अनंत राम डैट सखा विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शन इन द स्पेसिफाइड एरिया वेर आता आत्माराम इज़ प्रोवाइडिंग द कनेक्शन तो मतलब क्या है कि सखाराम उस एरिया में केवल कनेक्शन नहीं देगा जहां पे आत्मा राम अपना सर्विस दे रहे हैं तो ये क्या हो गया कि नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट हो गया कि ऐसा ना होगा एक ही एरिया में दोनों सर्विस दे रहे हैं ये नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे और ये जो नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट बनाया हुआ है तो इसमें बट नैचुरल है कि आत्मा जो बोला है कि सखाराम को आप मेरे एरिया में सर्विस नहीं दोगे उसने उसको कुछ पैसे दिए होंगे तो ये जो जो निगोसिएशन हुआ ये जो एक्टिविटी हुआ वो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट का ये बेसिकली क्या है कि आ, सखा सखाराम जो है वो किसी भी एरिया में काम कर सकता है लेकिन आत्मा राम के साथ उसने कांटेक्ट किया कि भाई मैं इस एरिया में काम नहीं करूंगा मतलब मैं वोलनेट कर रहा है टोलनेट के लिए उसको जो कंसिड्रेशन मिला आत्माराम से वो कंसिड्रेशन क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा दूसरा एग्जाम्पल है लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद विदिन स्टिपुलेटेड टाइम अभी क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मुझे सौ लैपटॉप दस जून तक डिलीवर करने दस जून तक डिलीवरी नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने दस जून तक डिलीवर नहीं किया तो आपको दस परसेंट लेट डिलीवरी चार्जेस लगेंगे तो एक तो ये क्या हो गया फोर् बी हो गया मतलब भाई उसको दस तारीख तक लैपटॉप मिलना था नहीं मिला तो जो बायर है उसको क्या मिल रहा है बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट में लेट डिलीवरी चार्जेस लिखा हुआ है वो मिलेगा टेन परसेंट तो जो लेट डिलीवरी चार्जेस जो मिला है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा नोटिस पे रिकवर फ्रॉम Employee फॉर लिविंग द जॉब बिफोर अग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस period क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट job आप जॉब में जाते हैं तो सिंपल सा क्या होता है आप करते रहेंगे भाई आपको अगर छोड़ के जाना हो तो वो तीन महीने का नोटिस देना पड़ेगा आप बोले भाई मैं तीन महीने का नोटिस नहीं दूंगा तो मैं एक महीने में चला जाऊँगा तो कंपनी ने बोला कि भाई एक महीने में आप जाएंगे दो महीने की आपकी सैलरी लगेंगी तो ये वाला जो दो महीने की सैलरी है जो नोटिस पे रिकवर हुआ है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा नेक्स्ट तो। आते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज़ सिंपल सा है कि कोई मशीन हायर पे दिया हुआ है वो सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा अभी एक आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाई पहला क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया बिल्डिंग बनाने का किसी एक बिल्डर को बोला कि भैया मेरा लैंड है यहाँ पे मेरा एक बिल्डिंग बना दो तो. बिल्डर क्या करता है कंस्ट्रक्शन का, का काम करता है प्लस उसमें कंस्ट्रक्शन में जो गुड्स लगते हैं क्या क्या गुड्स लग सकते हैं सीमेंट लग सकते हैं स्टील लग सकते हैं ब्रिक्स लग सकते हैं ये सब सब लगाता भी है कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है तो ये पूरा क्या है कॉम्पोजिट एक कॉन्ट्रैक्ट है एक साथ है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग uh, के कंस्ट्रक्शन फेब्रिकेशन कम्प्लिकेशन के जॉब भी होते हैं प्लस गुड्स भी सप्लाई होता है उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बाद में भी हम लोग समझेंगे फ़ाइनल लेवल पे अभी तो नहीं समझना है इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनल लेवल पे तो अभी इतना ही समझना है कि इमोवल प्रॉपर्टी के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अगर हम लोग करते हैं इमोवल प्रॉपर्टी मतलब क्या है बिल्डिंग जो है इमोवल प्रॉपर्टी है तो वो जो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होता है तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल कॉम्पोजिट काम है इसको सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं दो गुड्स इन्वॉल्व है बट इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे दूसरा क्या है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में क्या होता है दूसरा पॉइंट यहाँ नीचे है सप्लाई बाय वे ऑफ ये जो लिखा हुआ है तो दूसरा क्या है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है कि आपको जो बेटर होता है आपको सर्विस भी देता है आपसे आ ऑर्डर भी लिखता है एंड आपको फूड भी ला देता है राइट right. तो फूड क्या है गुड्स हैं तो आपको गुड्स भी सप्लाई कर रहा है एंड आपको और क्या कर रहा है वो आपको सर्विसेज भी दे रहा है सर्विसेज मतलब आपको ला के देता है आपसे पूछता है वाटर सर्व करता है आपके प्लेट में वो खाना भी डालता है तो सर्विस भी है सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल्स ड्रिंक एंड फूड भी है तो दोनों चीजें इसमें बट जो शेड्यूल टू में डिसाइड है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे लास्ट पॉइंट क्या है कि जो क्लब होते हैं इनकॉर्पोरेटेड क्लब होते हैं एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है कि आपने मतलब जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए कुछ काम करते हैं उसको कुछ नॉमिनल चार्जेस कलेक्ट करते हैं तो उन सब केसेस में जो भी ये काम होता है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स में ट्रीट करेंगे हम लोग इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं होगा तो बेसिकली ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय इसमें सर्विस तो कुछ है ही नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स ही है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैस कंसिलेशन तो जो भी मतलब जो गुड्स सप्लाई कर रहा है एक एसोसिएशन अपने मेंबर्स को इन दैट केस जो भी गुड्स सप्लाई करे सप्लाई गुड्स में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा एक स्पेशल uh, पॉइंट इसमें है कि जो टेनेंसी राइट्स होते हैं जैसे uh, बहुत बार गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट क्या करती है उसका कोई लैंड होता है वो किसी को टेनेंसी राइट right दे देती है कि भाई आप इसको फर्दर uh, किसी और को दे सकते हैं रेंट पे तो टेनेंसी राइट right कैसे लेते हैं टेनेंसी राइट लेने के लिए वन टाइम प्रीमियम दिया जाता है एक लमसम प्रीमियम भी ह्यूज अमाउंट रहता है तो जो लमसम प्रीमियम देते हैं वो लमसम प्रीमियम जो देते हैं जो टेनेंसी होता है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट करेंगे उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं तो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा ओके सो फिफ्थ पार्ट में आते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या है अपना फिफ्थ पार्ट में है कि कि नो सप्लाई मतलब शेड्यूल थ्री में है शेड्यूल थ्री में लिस्टेड है कुछ सप्लाई कि दो ये सप्लाई होगा बट इसको सप्लाई ट्रीट नहीं ये एक्टिविटी मतलब सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहा है फॉल कर रहा है बट इसको सप्लाई हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं राइट right? तो क्या क्या है वो है पहला जो है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्ट्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मतलब एक इम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है मैं एक कंपनी में अगर इम्प्लॉई हूँ एक कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं अपनी जो सर्विस देता हूँ उसके बदले जो मुझे सैलरी मिलती है वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसलिए ये सप्लाई नहीं होगा राइट वेरी क्लियर दूसरा आते हैं इसी में एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आप आ, आ, नौकरी छोड़ चले जाते हैं ये तो कुछ आ, आपको एडिशनल सम कंपनी देती है एंड ऑल उस केस में भी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि कैजुअल वर्कर है कैजुअल वर्कर भी कंपनी का एम्प्लॉयी ही होता है तो वो चाहे दस दिन काम करे या एक महीने काम करके चले जाए फिर एक महीने के बाद फिर एक साल के बाद फिर से लौट के आए कोई मतलब नहीं है कैजुअल वर्कर है कंपनी में आया है कंपनी का काम कर रहा है उसके बदले उसको वेजेस मिल रहे हैं ये सारे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में आते हैं और इन सब चीज़ों को सप्लाई से बाहर रखा जाएगा ये सप्लाई में काउंट नहीं होगा बस एक रीडिंग देने हैं किससे हो जाएगा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दूसरा क्या है दूसरा जो है जो सप्लाई नहीं होगा नो सप्लाई जो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल होते हैं जो जजेज uh, होते हैं जो कोर्ट आप जाते हैं कोई आपका कोई केस फंसता है आप कोर्ट में केस करते हैं आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो जो कोर्ट जो आपको सर्विस देती है उसके लिए मे भी आप नॉमिनल चार्जेस देते होंगे नॉमिनल चार्जेस किस फॉर्म में देते हैं कि आपको कुछ फॉर्म भरना पड़ता है आपको स्टाम्प ड्यूटी लगाना वो रेवेन्यू uh, स्टाम्प होता है वो अपील जब आप कोई केस फाइल करते हो और स्टाम्प उस पर फिक्स करना है स्टाम्प में पाँच रुपये दस रुपये का आप स्टाम्प तो नॉमिनल स्टाम्प आप करते तो उस फॉर्म में आप बोल सकते हैं कंसलेशन है बट यहाँ पे बहुत क्लियरली है शेड्यूल थ्री में कि ये जो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल आपको जो सर्विस देती है उसके लिए दो आप स्टाम्प फी या छोटे मोटे नॉमिनल फ़ी देते होंगे बट ये जो है सप्लाई नहीं होगा अब कोर्ट मतलब क्या सब कुछ है हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे कोर्ट हैं वो भी हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट तीन नंबर में है तीन में ये है जो आपके एम पी एम होते हैं एमपी मतलब समझते हैं ना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मतलब जो आ, जो इलेक्शन होता है इलेक्शन में जब सेंट्रल इलेक्शन होता है तो सेंट्रल इलेक्शन में जो नॉमिनट जो सेलेक्ट होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर जो हम लोग नॉमिनेट करते हैं इलेक्ट करते हैं रादर तो वो मेबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं जो लोकल असेंबली जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं उसमें जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं वो मेबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होता है फिर पंचायत गाँव वगैरह में तो है वहाँ भी इलेक्शन होता है तो ये सब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट एम एल एम या पंचायत के जो मेंबर्स हैं म्यूनसपैलिटी वगैरह के जो मेंबर्स हैं ये लोग जो म्यूनसिपलिस कमिश्नर कमिश्नर भी हम लोग करते हैं तो ये सब जो मेंबर्स हैं ये सब जो सर्विस देते हैं इसके बदले इनको क्या मिलता है इनके बदले इसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है तो इनके जो सर्विसेज हैं ये सप्लाई में नहीं आते हैं अब भाई सिंपल सा है एम पी एम ही तो एक्ट बनाते हैं यही लोग तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेश में एक्ट को पास करते तो वो अपने सर्विस को तो बट नेचुरल है वो स्कोप से बाहर रखेंगे तो सिंपल सा है कि इन्होंने अपना सर्विस को स्कोप से बाहर रखा हुआ है दूसरा क्या है ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन ऑफ परसुएस जैसे इंडियन गवर्नर है सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं इसको नॉमिनेट करते हैं जो एम पी होते हैं वो लोग नॉमिनेट करते हैं तो इनका भी जो फंक्शंस होता है ना इनको भी गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है बट ये सारे फंक्शन इनके जो है ड्यूटीज जो भी है ये करते हैं जो सर्विसेज ये देते हैं ये सप्लाई का पार्ट नहीं है नो सप्लाई है ये अब सेम लाइन में कोई स्टेट गवर्नमेंट है लोकल अथॉरिटी है उसके कोई चेयरपर्सन है जो नॉमिनेटेड हैं वो जो सर्विस देते हैं उनको उनको जो सैलरी वगैरह मिलता है दो एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशन वहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होता होगा फिर भी उनका जो सर्विसेज है वो एग्जाम नॉट एग्जम्प्ट सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया एग्जम्प नहीं है नो no सप्लाई है वो क्या है नो no सप्लाई तो क्या है तो एक बार रिपीट करते हैं पॉइंट नंबर थ्री को पॉइंट नंबर थ्री में एम पी एम एल एज एंड पंचायत के जो मेम्बर्स होते हैं उनके जो सर्विसेस हैं वो नो सप्लाई हैं जो भी प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं ये सब जो हैं इनकी जो सैलरी है जो सर्विसेज है वो सब सब नो no सप्लाई है कोई भी चेयरपर्सन्स है लाइक कोई बॉडी है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं उनमें जो चेयरपर्सन्स हैं उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो नो सप्लाई में आते हैं नेक्स्ट फोर में क्या है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बरियल क्रीमेटोरियम मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन तो मतलब जो आप कोई मर जाता है उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं दफनाने का जलाने का ट्रांसपोर्टेशन का उसको डेड बॉडी को ले जाने का ये सारी चीज़ें जो है वो नो no सप्लाई में है इससे जो भी रिलेटेड वो सप्लाई का पार्ट नहीं है फिफ्थ में क्या है सेल ऑफ़ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ फाइव बी फाइव बी ऑफ शेड्यूल टू शेड्यूल टू में आपने देखा ना कि डिसाइड uh, कर रहे थे हम लोग कि क्या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो शेड्यूल बी में जो रेंटल वाला था रेंटल ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी सॉरी पार्ट बी पैराग्राफ फाइव बी में जो रेंटल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी था वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसको छोड़ के जो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है वो नो no सप्लाई है नेक्स्ट uh, uh, क्या है प्रोबेबली लास्ट भी है एक्सनेबल क्लेम एक्स एक्सनेबल क्लेम में क्या है एक्सनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग सो एक्सनेबल क्लेम का हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख लिया समझ लिया क्या है तो इसमें गुड्स एक्सनेबल क्लेम गुड्स है लेकिन ये सप्लाई नहीं है बट अदर देन अगर आप लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग कर रहे हैं तो लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो सप्लाई है अदर देन दीस थ्री एनीथिंग इज देयर एज एक्सनेबल क्लेम वो सप्लाई का हिस्सा नहीं है क्लियर एंड हम लोग एक्सनेबल क्लेम तो देख ही लिया है कि फ्यूचर रेंट में अगर कुछ फ्यूचर कोई रेंट आने वाला जो ड्यू नहीं हुआ है अभी वो सब अपने एक्सनेबल क्लेम है राइट अब जो है हम लोग लास्ट पार्ट में आते हैं जो सिक्स पार्ट है उसमें आते हैं सिक्स पार्ट में क्या है कि नो सप्लाई और क्या होगा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करता है कि भाई ये ये सप्लाई नो सप्लाई में आएंगे तो वो सप्लाई नहीं होगा तो एक तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है कि भाई म्यूनसपैलिटी और पंचायत का जो काम है जो पंचायत जो म्यूनसपैलिटी वाला काम करती है उसका जो भी फंक्शन है वो नो सप्लाई होगा क्लियर है बहुत ज़्यादा इसमें करना नहीं है कुछ पंचायत जो पंचायत क्या काम करती है पंचायत का काम होता है जो एरिया के पंचायत है वो तो वहाँ का सोशल डेवलपमेंट करती है जो सीवेज सिस्टम है जो नाला वाला का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती है अर्बनाइजेशन करती है बहुत सारे काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए तो वो जो म्यूनिसपैलिटी रिलेटेड जो काम होता है वो नो सप्लाई में आएगा दूसरा एक सर्कुलर भी शूड है नो सप्लाई में तो बेसिकली सर्कुलर जो है वो एक्ट का पार्ट नहीं वो क्लेरिफिकेशन होता है तो सर्कुलर में क्या है कि जैसे आप क्या है कि आपका एक बस है जिसमें आप पैसेंजर को ले जाते ले आते हैं अभी पैसेंजर को ले जाना ले आना तो सप्लाई और सर्विस हो जाएगा उसमें कोई डाउट नहीं है बट आप जब पैसेंजर को खाली बस है खाली बस जैसे पटना से रांची का सर्विस देता है तो अभी बस जो है पटना से रांची जब गया तो पैसेंजर को लेके गया ठीक है अब जब वापस आ रहा है तो उसमें क्या है कोई पैसेंजर नहीं है ऐसे बस उसको वापस रांची में लाना पटना में लाना है तो रांची से पटना खाली बस आया हुआ है तो ये क्या सप्लाई ऑफ और सर्विसेज होगा नहीं होगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा सेम लाइन में अगर बसेस को आप एक दूसरे से दूसरी जगह ले जा रहे उस बस के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए तो ये मूवमेंट बस का हो रहा है खाली बस है तो ये कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा ये नो no सप्लाई में आएगा सेम लाइन में कि आप किसी काम करने के लिए जैसे आपको एक आप एक बस का एग्ज़ाम्पल है हम लोगों ने क्या एग्ज़ाम्पल लिया कि बस खुद जा रहा है दूसरी जगह तो वहाँ पर रिपेयरिंग होकर आ रहा है अब इस केस में क्या बस पटना में पड़ा हुआ है रांची से मैकेनिक जो है आ रहा है तो रांची से मैकेनिक जब आता है तो अपना टूल्स वगैरह लेके आएगा स्पेयर पार्ट्स लेके आएगा तो जो लेके वो आया ये सप्लाई में काउंट नहीं होगा राइट right? टूल्स रिक्स जो भी स्पेयर पार्ट्स जो लेके आया वो आया यहाँ पे यूज किया फिर लेके चला जाएगा तो वो सब चीज़ें क्या है कि वो आपका सप्लाई में काउंट नहीं होना है अब इसमें हम लोग लास्ट आते हैं इस चैप्टर का बहुत ही डिटेल चैप्टर है फंडामेंटल है इसलिए थोड़ा लेंदी भी हुआ है तो इस चैप्टर का लास्ट जो है वो लास्ट ये है कि हम लोग अब डिसाइड करेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई तो पहले समझते हैं कॉम्पोजिटि एंड मिक्स सप्लाई होता क्या है हम लोगों ने सप्लाई तो समझ लिया सप्लाई ऑफ गुड्स भी समझ लिया क्या क्या हो सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस भी समझ लिया क्या क्या हो सकते हैं अभी आप जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के साथ आपको क्या मिलता है एक मोबाइल मिलता है और एक कंपल्सरली चार्जर तो रहता ही है मोबाइल का लैपटॉप आप ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है लैपटॉप मिलता है आपको लैपटॉप का एडेप्टर तो कम्पलसरली मिलता है राइट right. तो ये क्या है एंड प्राइस आप जो पे करते हैं कितना सपोज़ कीजिए कि आप पचास हज़ार प्राइस फिक्सड है तो प्राइस आप दोनों चीज़ के लिए फ़िक्स कर रहे हैं पचास हज़ार जो आपने पे किया सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं पे किया आपने लैपटॉप प्लस उसका जो अडेप्टर है लैपटॉप अडेप्टर मिला के आपने पचास हज़ार रुपये पे किया है तो दो चीज़ों के लिए एक साथ पे किया है दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ क्या चीज़ का ट्रेडर हूँ मैं मैं सपोज़ uh, कर लीजिए कि मैं आ, आपका आ, मैं ट्रेडर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं शुगर शुगर ट्रेडर हूँ शुगर मतलब चीनी जो होता है जो खाते हैं हम लोग तो शुगर ट्रेडर हैं अभी मेरा जो बायर है उसने क्या बोला कि भाई आप इस मटेरियल को भेजिए एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी अरेंज करना आपका काम है तो मैं क्या है एक तो मटेरियल है मेरा शुगर का बैग्स है पचास बैग्स का ऑर्डर आया तो मैं शुगर पचास बैग का शुगर भेज रहा हूँ शुगर के साथ क्या है सर्विस ट्रांसपोर्टेशन जो है मैं ही अरेंज कर रहा हूँ लोडिंग अनलोडिंग जो है ट्रक में चढ़ाना वो भी एक सर्विस है जो शुगर है उसको मैंने उस पर ट्रक पर चढ़ाया फिर मेरे कस्टमर प्लेस पर गया वहाँ पर मैंने उसको उतारा भी है तो ये लोडिंग अनलोडिंग भी मैंने करवाया है सर्विस दिया है लोडिंग अनलोडिंग का ट्रांसपोर्टेशन का भी सर्विस मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है मेरा खर्चा हुआ है उसमें एंड प्लस शुगर तो है ही तो ये क्या हुआ ये तो कॉम्पोजिट हो गया मतलब आप एक तो सेल ऑफ़ शुगर कर रहे हैं प्लस आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं प्लस आप लोडिंग अनलोडिंग का भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये मल्टीपल हो गए एक गुड्स है प्लस सर्विसेज है तो यही होता है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या है कि या तो दो गुड्स और एक गुड्स एक सर्विस दो सर्विस एक गुड्स दो सर्विस तो मतलब एक मिक्स हो जाता है मतलब कॉम्बिनेशन एक बन जाता है वो कॉम्बिनेशन में जब वो जाता है तो उसको मिक्सड और कंपोजिट सप्लाई करते हैं तो कैसे सेग्रीगेट करेंगे क्या मिक्स सप्लाई है क्या कंपोजिट सप्लाई है वो देखते हैं तो कंपोजिट सप्लाई के लिए बहुत सिंपल सा है कि इट कंसिस्ट टू और मोर सप्लाईज मतलब टू और मोर सप्लाइज ऑफ वॉट आइदर ऑफ़ गुड्स और सर्विसेज एक गुड्स हो सकता है एक सर्विसेज हो सकता है इट्स शुड बी नेचुरली बंडल नेचुरली बंडल मतलब क्या नेचुरली बंडल मतलब आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो एडेप्टर साथ में कंपल्सरली आपको मिलता है ऐसा नहीं है कि एक बंदा को लैपटॉप मिलता है दूसरे बंदे को अडेप्टर मिलता है ऐसा नहीं है आप खरीदने जब जाते हैं मोबाइल जब आप लेते हैं तो ये इंडस्ट्री का प्रैक्टिस है कि आपको मोबाइल के साथ चार्जर मिलेगा ही मिलेगा तो ये मोबाइल एंड चार्जर जो है नेचुरली बंडल्ड है आप जब मेरे एग्जाम्पल मैंने जब शुगर सप्लाई किया तो जनरली ये होता है कि सप्लाई के साथ वो ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग एंड लोडिंग इंक्लूडेड हो जाता है तो ये नेचुरली बंडल्ड है इसको ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी से कहीं से ला के बंडल किया नेचुरली एक साथ जाते हैं ये इन कंजंक्स कंजंक्सन विथ इच अदर वन इज द प्रिंसिपल सप्लाई अब क्या है ये जो अपना एग्जाम्पल है कि मोबाइल के साथ चार्जर जाता है उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है प्रिंसिपल सप्लाई क्या है मेन क्या है मोबाइल मेन है तो कॉम्पोनिट सप्लाई में एक मेन सप्लाई होता है मेन सप्लाई क्या मोबाइल वाले केस में मोबाइल मेरा है लैपटॉप एंड अडेप्टर केस में मेरा क्या है uh, मेरा जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो लैपटॉप है मेरा जो शुगर वाला जो केस है सॉरी <coughs> जो सप्लाई ऑफ शुगर वाला जो केस है उसमें मैंने सप्लाई ऑफ शुगर किया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लोडिंग एंड लोडिंग सर्विसेज दिए हैं तो मेरा प्रिंसिपल सप्लाई क्या है मेरा प्रिंसिपल सप्लाई जो मेन सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ शुगर है राइट right? तो उसमें देखा जाता है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है एंड प्रिंसिपल सप्लाई पे जो टैक्स अप्लीकेबल होता है वही टैक्स पूरे सप्लाई पे अप्लीकेबल होता है मतलब आप मोबाइल एंड लैपटॉप खरीदे हैं तो उसमें सॉरी मोबाइल एंड चार्जर खरीदे हैं तो मेरा प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल है तो मोबाइल पे जो टैक्स अप्लाई है वही टैक्स जो है आपके अडेप्टर में ही अप्लाई होगा उसको अलग अलग नहीं करेंगे अब आते हैं मिक्सड सप्लाई मिक्स सप्लाई क्या होता है ये नेचुरली बंडल नहीं होते हैं जैसे आप एक गिफ्ट पैकेट खरीदने खरीदेंगे गिफ्ट में कुछ चॉकलेट है कुछ केक है कुछ आपके टॉयज हैं ये सब क्या है नेचुरली बंडल नहीं है आपको हमेशा एक साथ नहीं मिलते आपने वो या तो सप्लायर ने बना रखा हुआ है पहले से या फिर आप बोलते हैं भैया मुझे एक साथ ये दे दो तो वो मिक्स होते हैं एंड ये क्या होते हैं कि मिक्स सप्लाई में जो आप गिफ्ट पैकेट परचेज़ करते एक सिंगल प्राइस परचेज़ करते हैं बट वो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं एंड वो चीज़ें नेचुरली नहीं बंडल्ड है आपने मांगा है तो उसे मिला मिला के दे दिया है आपको एंड ऐसे केसेस में जहाँ पे मिक्स सप्लाई होते हैं वहाँ पे टैक्सेशन कैसे डिसाइड करते हैं टैक्सेशन डिसाइड करते हैं कि उस मिक्स सप्लाई में जो हाइएस्ट रेट वाला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पर जो रेट अप्लीकेबल है वही रेट सब पे अप्लीकेबल हो जाएगा मतलब आपने एक गिफ्ट पैकेट खरीदा है जिसमें क्या है आपके केक भी हैं आपके सॉफ्ट uh, टॉयज भी हैं आपके चॉकलेट्स uh, uh, भी हैं तो ये तीन चीज़ हैं इन तीनों चीज़ में जो हाईएस्ट रेट जो भी जिस प्रोडक्ट का होगा उस प्रोडक्ट का रेट लगा के टोटल प्राइस पे वो टैक्स रेट लग जाएगा ओके okay? तो मिक्स सप्लाई में भी सर्विस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सर्विस एंड गुड्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अभी ये क्वेश्चंस ये है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई जो है कोई एक जो कॉम्प जो कॉम्बिनेशंस है सप्लाई का वो कॉम्पोजिट है या मिक्सड है तो डिसाइड करने के लिए देखिए कुछ नहीं है अपने को देखना है कि वो नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है एंड इसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट मतलब एक कोई फार्मूला मैं आपको नहीं बता सकता हूँ या फिर एक्ट में कोई फार्मूला नहीं है कि वो फार्मूला आप अडोप्ट करें और वो हो जाएगा कैसे होगा वो तो ये सब कुछ गाइडिंग गाइडेंस दिए हुए हैं ये मतलब अगेन एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये सब गाइडिंग फैक्टर है इसको लेके आप डिसाइड कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि भाई ये नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं अगर नेचुरली बंडल्ड है तो क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो मिक्स सप्लाई हो जाएगा सो तो कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग देख सकते हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर और द रेसिपियट जो बायर है जैसे मैं मोबाइल ख़रीदने जा रहा हूँ तो मेरा क्या परसेप्शन है कि मैं मोबाइल जब खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे मोबाइल एंड चार्जर एक साथ मिलेगा तो मोबाइल एंड चार्जर क्या है कॉम्पोजिट सप्लाई माने जा सकते हैं दूसरा क्या है मेजोरिटी ऑफ़ द सप्लायर इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विसेज सप्लाइज सॉरी सो जो सप्लायर है जो वो इस टाइप का प्रोडक्ट बेचता है जो जो कॉम्बिनेशन बेचता है जो जितने भी सप्लायर हैं मेजरली ऐसे ही करते हैं मतलब एक ही साथ देते हैं उसको लैपटॉप आप ख़रीदने जाते किसी भी दुकान में जाइए आपको लैपटॉप के साथ वो देता ही देता है तो ये नेचुरली बंडल्ड है अभी क्या है कि एक सप्लाई मेन सप्लाई है दूसरा इंसिडेंटल है मेरे शुगर के केस में क्या है शुगर मेन मेरा सप्लाई है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन मगर इंसिडेंटल है कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के होगा नहीं हो और वो अगर सप्लाई में शुगर का कर नहीं करा तो ये भी नहीं होगा तो इंसिडेंटल है दिस सप्लाई नॉर्मली एडवर्टाइज एज पैकेज मतलब आप आता ही है आप जब फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाएंगे जब आप देखते हैं एक मोबाइल सैमसंग का देखा तो उसमें लिखा रहता है दिस कम्स विथ दिस दिस चार्जर दिस कम्स विद दिस दिस हेडफोन तो नेचुरली एडवरटाइज भी वैसे ही होता है एंड दिस डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली तो जनरली ये सेपरेटली अवेलेबल नहीं होते उस बेसिस पर इसको डिसाइड करेंगे नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है बट अगेन जो बोला है कि स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है ये सब चीज़ें केस टू केस बेसिस पे आपको एनालाइज करना है देखना है तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर पहला अपना एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप जब कोई किताब ब्राउचर्स कुछ भी एनुअल रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करवाते हैं जब आप प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है आपकी प्रिंटिंग तो होती है प्रिंटिंग के साथ जो पेपर पर पे पे प्रिंट होता है वो भी आपको आता है तो क्वेश्चन आएगा भाई आपको तो एक सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया मतलब जो पेपर है वो भी प्रिंट होने के बाद आपको मिल रहे हैं जो प्रिंटिंग का जो सर्विस है वो भी आपको मिल रहा है बुक जो प्रिंट हो गया तो क्या होगा ये इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें प्रिंसिपल सप्लाई बेसिकली क्या है और ये नेचुरली बंडल होता है राइट इसमें तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलेंगे भैया मुझे ये ब्राउचर ये मैरिज कार्ड प्रिंट करवाना है जब आप प्रिंट बोलते हैं सॉरी मैरिज का डिफरेंट एग्जांपल हो गया जब आप बोलते हैं कि मुझे ये प्रिंट ब्राउचर प्रिंट करवा प्रिंट करके लेना है तो उसमें ऐसा तो नहीं होता है ना कभी कि कि आप बोलते हैं कि भाई मैं जो मटेरियल है मैं दूंगा आपको उसे प्रिंट करना जनरली ये नहीं होता जनरली यही होता है कि उसके बाद जो मेटेरियल उसको वो प्रिंट करके देता है आप डिसाइड करते हैं भैया मेरे को इस टाइप का मेटेरियल प्रिंट कर देते दे ना वो उस टाइप से करता है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है प्रिंसिपल सप्लाई प्रिंटिंग का जॉब है राइट तो ये प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड ऑल जो है ये कम्पोजिट सप्लाई है एंड प्रिंसिपल सप्लाई इसमें प्रिंटिंग और प्रिंटिंग जॉब है इसलिए ये सप्लाई जो इंटायर एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा एंड इसमें प्रिंटिंग जो है प्रिंसिपल सप्लाई है प्रिंटिंग पे जो रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल है टोटल प्रिंटिंग एक्टिविटी है उस पर यह अप्लीकेबल होगा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आपका खुद का बुक है जैसे आपका एग्जाम्पल क्या होता है कि लेटर कार्ड है मैरिज कार्ड मैंने जो बोला मैरिज कार्ड है नैपकिनस है इसमें बेसिकली क्या होता है ये ऑलरेडी एक गुड्स है बना हुआ है नैपकिन वगैरह बना हुआ है आपने बस उसमें जाके बोला भैया मुझे स्पेशल मेरा मैरिज है तो मेरा और मेरी वाइफ का मेरे फैमिली का नाम लिख दो तो।, तो इसमें बेसिकली मेन सप्लाई क्या है मेन सप्लाई तो सप्लाई ऑफ गुड्स है जो जो कार्ड्स है वो आपको सप्लाई कर रहे हैं प्रिंटिंग उसमें जो है वो मेन सप्लाई नहीं है वो राइट तो अब पहले ये डिसाइड करना है कि कॉम्पोजिट है कि मिक्सड है ये बट नेचुरली कि ये नेचुरली बंडल्ड है मैरिज कार्ड आप जब भी लेते हो तो ऐसे ही लेते हैं कि कार्ड वहाँ पे पड़ा रहता है आप बोलते हैं भैया इस पर ये, ये प्रिंट करना है तो नेचुरली बंडल्ड है ये कम्पोजिट सप्लाई है अब सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है तो अपने को देखना है कि प्रिंसिपल सप्लाई इसमें क्या है प्रिंसिपल सप्लाई क्या है प्रिंसिपल सप्लाई मैरिज कार्ड का जो गुड्स है उसका है इसलिए प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ये प्रिंसिपल ये जो टोटल है वो टोटल को प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग बस का बॉडी बिल्डिंग मतलब बस का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाना अब ये फैक्ट एंड सरकम पे डिसाइड करता है बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है आप लेबर का भी काम होता है आप जो स्टील वगैरह होता है नट वोल्ट होता है वो सब भी यूज़ करते हैं तो सरकम पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या किस हिसाब से वो जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई उसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा लेबर का पार्ट है या बहुत ज़्यादा आपका मटेरियल इन्वॉल्ड है वो डिसाइड करने के बाद आप डिसाइड करेंगे आते हैं नेक्स्ट रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स सो रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या है तो अगर आपने अपना रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब तो समझते हैं जैसे मेरी गाड़ी की टायर है वो थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं दे देता हूँ भाई इसको थोड़ा रिपेयर करके दे दो तो वो क्या कहता है रिपेयरिंग में थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह कर देता है थोड़ा ऊपर से जो लाइन्स चले गए उसका वो लाइन्स फिर से लाता है तो वो रिट्रेडिंग हो जाती है तो रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स में क्या होता है जब आपका खुद का टायर है आपने उसको दिया कि भाई मुझे रिट्रेडिंग करके दो तो बेसिकली क्या है ये सब सर्विस है राइट अब वो जब रिट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़े थोड़े गुड्स भी यूज करेंगे रिट्रेडिंग में मतलब ऐसा नहीं है वो जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं या बहुत कुछ जो रिट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं वो सब वो यूज़ करेगा उसमें उसके साथ जाएगा लेकिन प्रिंसिपली क्या है वो प्रिंसिपली वो सर्विस दे रहा है तो ये रिट्रेडिंग ऑफ रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा इंटायर एक्टिविटी अगर ये जो रिट्रेडर है जो रिट्रेडिंग ऑफ टायर करता है जो बंदा है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका खुद का टायर है उसी टायर में वो रिट्रेडिंग ओल्ड टायर उसके पास पड़ा हुआ है मैंने बोला भैया मेरे पुराना टायर है उसको थोड़ा ठीक करके मुझे दे दो तुम्हारा ही टायर है वो ठीक करके देगा तो वो उसमें रिट्रेडिंग करता है तो ये प्रिंसिपली क्या है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ओल्ड टायर उसका खुद का है तो मेन ओल्ड टायर है उसका खुद का है एंड वो उस पर रिट्रेडिंग करके आपको फिर से दे रहा है थोड़ा वर्केबल कंडीशन में ला आपको दे रहा तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है क्लियर देखना प्रिंसिपल आपको आइडिया लग जाएगा समझने से ही आइडिया लग जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई क्या है एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सप्लाई क्या हो सकता है पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया था कि कैंड फूड है मतलब एक डब्बा में बहुत सारे फूड्स हैं आपके चॉकलेट्स भी हैं स्वीट्स भी हैं केक्स भी हैं ड्राई फ्रूट्स भी हैं ड्रिंक्स भी हैं फ्रूट जूस भी हैं ये सब मिक्स सप्लाई है जनरली ये एक साथ नहीं आते जहाँ पे एक साथ आते हैं अगर हर एक एरिया में वैसे ही हो जाता है तो ठीक है बट अगर आपने स्पेशली बनवाया है उसको तो वो मिक्स सप्लाई में आएंगे एंड मिक्स सप्लाई में जो हाइएस्ट रेट है वो रेट पूरे सप्लाई पर लग जाएगा अब आप जाते हैं एक एग्ज़ाम्पल है कि आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं रेफ्रिजरेटर के साथ तो बॉटल आपको साथ में आता नहीं है बट एक जगह पे स्कीम चल रहा है शॉपकीपर के पास कि भाई रेफ्रिजरेटर आप लेंगे उसके साथ दस बॉटल भी मैं आपको साथ में दूंगा तो ये क्या हो गया ये मिक्स सप्लाई हो गया एक ही प्राइस लेगा वो बोला दस हज़ार में ये रेफ्रिजरेटर में और दस ये अच्छा वाला बॉटल भी दूंगा आपको तो ये सप्लाई हो गया ये कंबाइंड सप्लाई होगा दो सप्लाई एक रेफ्रिजरेटर का सप्लाई है एक बॉटल का सप्लाई है ये सारे एक साथ हो गए बट इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का कोई क्वेश्चन नहीं आया क्यों नहीं आएगा कि ये जनरली नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट रेट गुड्स कौन सा है रेफ्रिजरेटर या बॉटल्स है जो रेट है वही रेट टोटल प्राइस पे लग जाएगा एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है ये घर है एक मैंने दो फ्लोर का घर लिया है दो फ्लोर का घर मैंने क्या किया है एक फ्लोर को रेसिडेंस पर्पज़ के लिए यूज कर लिया है दूसरे में मैंने अपना एक दुकान खोल लिया है अब क्या हो गया दो टाइप का हो गया आपने रेंट पे लिया हुआ है घर लेकिन एक तो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का लिया हुआ है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन बेसिकली क्या है आगे आप देखेंगे रेसिडेंशियल एकोमडेशन के लिए जब आप कुछ रेंट पे लेते हैं ना वो जीएसटी में एक्जमटेड है एंड दूसरा आपने क्या किया है कि अपना एक दुकान वहाँ पे खोल दिया है बट दुकान कॉमर्शियल एक्टिविटी एक्जमटेड नहीं है तो आप क्या बोलेंगे ये तो मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है आप या तो घर लेते हैं रहने के लिए या कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए लेते हैं तो ये वाला केस जो है ये मिक्स सप्लाई हो गया एंड ये जो टोटल आप जो रेंट दे रहे हैं ना उस पर देखा जाएगा किस पे हाइएस्ट टैक्स रेट है मतलब रेसिडेंशियल वाला जो पार है वो तो एकदम जीरो टैक्स है तो आपको देखना पड़ेगा कॉमर्शियल एक्टिविटी पे कितना टैक्स है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए रेंट पे लेते कितना टैक्स है और टोटल जो आप रेंट दे रहे हैं उस पर आपको वो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर देना है कोई इस केस में नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेचुरली बंडल नहीं है ओके okay? नाउ अभी आप लोगों को क्या करना है बहुत क्विकली स्टडी मटेरियल निकालते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में समझा दिया है सारा कॉन्सेप्ट को तो हम लोग अभी स्टडी मटेरियल निकाल के थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं ओके okay? ओके okay. स्टडी मटेरियल को हम लोग अभी गो थ्रू करते हैं देखिए इसमें सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इसमें कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है बहुत डिटेल में पढ़ा है तो सब कुछ कवर हो गया है ऊपर में बैकग्राउंड वगैरह तो ठीक है हम लोगों ने समझ ही लिया है उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं डेफिनेशन में गुड्स का डेफिनेशन समझ लिया प्रिंसिपल का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है प्रिंसिपल तो आप लोग जानते ही है क्या है कि जो एक एजेंट को अपॉइंट करता है वो प्रिंसिपल होता है कम्पिटेंट अथॉरिटी डजेंट मैटर अभी नहीं देखते हैं हम लोग फैमिली हम लोग समझ गए स्पाउस है बिजनेस तो हम लोगों ने डिटेल में समझा है राइट तो ये सब को आप एक बार टिक लगा लीजिए ये सब क्या है ना कि फ्यूचर में जब भी आप रेफ़र करेंगे ना तो ये रेफरेंस में इजिली आप रेफ़र कर सकते हैं गवर्नमेंट मतलब ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है सी एक्ट लोकल अथॉरिटी हम लोग अभी नहीं देखेंगे हम लोग लोकल अथॉरिटी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में बहुत डिटेल में देखेंगे इसलिए अभी लोकल अथॉरिटी कुछ कंसडेशन हम लोगों ने देख लिया है कंसडेशन पे ये सब पे आप टिक मत लगाइए कंसडेशन का नीचे जो है वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से बनाया है मनी हम लोगों ने समझ लिया है टैक्सेबल सप्लाई वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे सर्विस हम लोगों ने समझ लिया है राइट सर्विस सप्लायर एंड रेसिपेंट भी हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझेंगे अभी अभी इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट नहीं है ये पर्सनस यहाँ पर टिक लगा लीजिए पर्सन में पर्सन में हम लोगों ने ऐसे ही समझा है टिक लगा लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें अभी हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे आ गए कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे सेक्शन सेवन ऑफ सी जी एस टी एक्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको स्टेट प्रोविजन यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है अगर आपको एक टिक लगाना टिक लगा कर रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम में आएगा ज़रूरत नहीं भी है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है क्योंकि तो आप तो अब फिर से डेफिनेशन को नहीं पढ़ोगे आप तो बस क्या है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में टिक लगा के समझ जाओगे क्या कहाँ पे क्या है ये पूरा एनालिसिस है एनालिसिस तो हम लोगों ने एक एक करके बहुत डिटेल में देखा है हाँ ये सब तो इग्नोर कीजिए ये सब ठीक है बहुत ज़्यादा डिटेल में है इसमें नहीं जाने का आपको तो मैंने समझा ही दिया है आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ कहाँ पे आप रेफरेंस के लिए रखो इसको हाँ ये वाला जो पोर्शन है ना इस पे ये जो पोर्शन है सप्लाई इन एक्सप्ल ये लगा लो तो टोटल आपका डेफिनेशन ना ये इतना पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाएगा इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ओके ये गुड्स एंड सर्विसेज पे एक बार टिक लगा लो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज पे ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने तो ऐसे ही इसी, इसी में समझाया ऐसे ही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में समझाया आपको तो बहुत ईजियर होगा फ्यूचर रेफरेंस में अब यहाँ से एक एक करके हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या है इस पर एक बार टिक लगा लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी भी आप निकालेंगे फटाफट आपको दिख के समझ में आ जाएगा कि ये है फॉर्म्स सब सप्लाई पर टिक लगा लीजिए समझ तो गए हैं आप फ्यूचर रेफरेंस में कभी भी लगेगा तो आप देख सकते हैं एक बार फॉर्म्स और लाइसेंस सब देखा है हम लोगों ने फॉर्म्स सब सप्लाई में कंसिड्रेशन कंसिडेशन का ये वाला जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इस पर टिक लगा लीजिए समझने में बहुत ईजी रहेगा आराम से आपको याद हो जाएगा एक बार देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा बिजनेस एंड फर्दर एंस ऑफ बिजनेस बिजनेस का डेफिनेशन तो हम लोगों ने ऊपर में देख ही लिया है तो इसे फिर से देखने की जरूरत नहीं है एक दो एग्जाम्पल है मैंने भी अपने मेटेरियल में लिया हुआ है आप भी टिक लगा लीजिए फ्यूचर में कभी लगा तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब आपने समझ लिया है तो समझ बस एग्जाम्पल पर एक टिक लगा लीजिए तो फ्यूचर में कभी भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं ये सब जो डेफिनेशन है इस पर आप लोग नहीं जाते हैं इसमें कोई रिलेवेंसी नहीं है अभी टैक्सीबल सप्लाई वगैरह सब बाद में बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे उसके बाद इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज ये हम लोगों ने पढ़ा है एक टिक लगा लीजिए कभी भी फ्यूचर में रेफरेंस करने के लिए नेक्स्ट में एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिड्रेशन हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है इसमें भी वैसे ही एक एक करके दिया हुआ है आप एक एक एक्टिविटी पे टिक लगा लीजिए फ्यूचर में बस पढ़ते जाएंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी रिलेटेड पर्सन क्या है डिस्टिंग पर्सन क्या है सब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने समझाया भी है सब क्लियर है रिलेटेड पर्सन तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे रिलेटेड पर्सन यहाँ पर हैं तो आपको ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है बस टिक लगा लीजिए सब समझ जाएँगे डिस्टिंग पर्सन का भी है यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है टिक लगा लीजिए फ्यूचर में कभी भी रेफ़र करेंगे तो आपको यही सब समझ में आता रहेगा सर्विस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय भी हम लोगों ने डिटेल में समझा है एक बार टिक लगा लीजिए गिफ्ट जो है इम्प्लॉय एम्प्लॉय का डिटेल में समझा है टिक लगा लीजिए एक रीडिंग दीजिएगा सब क्लियर हो जाएगा सब समझा हुआ है मैंने बताया है पूरे डिटेल में बताया है बस आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंसिपल एजेंट का भी हम लोग डिटेल में समझा है एक बार टिक लगा लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए एक एग्जाम्पल मैंने भी कवर किया है बाकी एग्जाम्पल आप जब भी टाइम मिले देख लीजिएगा सब रिलेटेड है डिल क्रेडर एजेंट का भी हम लोगों ने डिटेल में समझाया है, समझा है कि समझायाडर एजेंट और नॉर्मल एजेंट में जो रूल है सप्लाई डिसाइड करने के लिए सेम है कोई डिफरेंस नहीं है रूल में अच्छा मेरे में पेज ब्लैंक आ गया है कोई बात नहीं है डिल क्रेडेटर एजेंट का बस वही है ये जो आप टेबल देख रहे हैं डिलेड एजेंट का मैंने जो एक लाइन में बताया ना कि जो रूल नॉर्मल एजेंट के लिए सप्लाई डिसाइड करने के लिए अपलिकेबल सेम रूल है आप टिक लगा लीजिए पढ़ लीजिएगा सब क्लियर रहेगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें हाँ इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस ये तो हम लोगों ने एक दोनों एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं टिक लगा लीजिए फ्यूचर में कभी भी समझना हो तो आपको ठीक है सेल्स प्रमोशन स्कीम पे एक टिक लगा लीजिए क्योंकि एक स्पेशल दिया हुआ है मैंने अपन लोगों ने डिस्कस किया फ्री सैंपल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने बाई वन गेट वन वाला भी डिस्कस किया था कुछ नहीं है इसमें वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था नया कुछ भी नहीं है आगे आते हैं एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन टू विथ ट्रेटेज गुड्स सप्लायर गुड्स और सप्लाई सर्विसेज ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बस आप ये यहाँ पे जो टेबल है मैंने भी यही टेबल उठाया था आप इस टेबल पे टिक लगा लीजिए फ्यूचर अफेयर में कभी भी आपको देखना हो ये टेबल पर एक बार देखते जाएगा वो सब समझ में आता जाएगा इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है ओके ये भी ब्लैंक है कोई बात नहीं आपके सीट में ब्लैंक नहीं होगा मेरे में वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसका टेनेंसी राइट वाला ये जो है ये वाला एक बार टिक लगा लीजिए टेनेंसी राइट का एक स्पेशल डाला है हम लोगों ने डिस्कस किया टेनेंसी राइट के लिए जो भी कंसिड्रेशन आता है वो सप्लाई और सर्विस में काउंट होंगे नेगेटिव लिस्ट मतलब शेड्यूल थ्री वाला जो है नेगेटिव मतलब वो नो no सप्लाई होगा नो no सप्लाई में भी हम लोगों ने क्या किया था आपको याद होगा तो मेरा मैट में भी ये टेबल उठाया हुआ तो आप बस इस टेबल पर टिक लगाइए फ्यूचर में कभी भी रेफर करना हो तो इस टेबल को देखिए सब समझ में एक एक लाइन में आता जाएगा आपको सेम टेबल है इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको राइट right? एंड जो स्पेशल दो मैंने बताया था ये वाला कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एक सर्कुलर में आया हुआ था गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि पंचायत वाला जो पंचायत जो म्यूनसपैलिटी का काम करता है वो कवर नहीं होगा एंड दूसरा मैंने बताया था कि जो इंटर मोवमेंट वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है अदर रिपेयर पर्पज़ के लिए और अदर पर्पजेज के लिए तो वो सब क्या है कि वो सप्लाई में काउंट नहीं होंगे एक बार टिक लगा लीजिए फ्यूचर में रेफरेंस के लिए दोनों पे टिक लगा लीजिए ठीक है अभी हम लोग लास्ट सेक्शन में आ गए कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ऊपर में तो ये जो टेबल है इसमें बस डेफिनेशन दिया हुआ है एक बार देखना होगा देख लीजिएगा ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें कॉम्पोजिट तो मिक्स अप्लाय बस ये जो एग्जाम्पल है टिक लगा लीजिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है एक टिक लगा लीजिए आपका सब इसी से हो जाएगा अब बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे हाउ टू तो डिटरमाइन जो है ना हाउ टू तो डिटरमाइन दिस आर्ट बंडल इन ऑर्डनरी कोर्स मतलब नेचुरली बंडल और नॉट है ये वाला टिक लगा कभी कभी एग्जाम में ये वाला आता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है ये वाला टिक लगा लीजिए ये वाला जो मैंने पढ़ाया वही है एंड यहाँ पे ये वाला जो टेबल बना हुआ है ना ये टेबल टिक लगा मैंने भी ये एग्जाम्पल लिया था आप इस टेबल पे टिक लगा लीजिए इस टेबल पे टिक लगा के फ्यूचर में कभी भी आप इसको रेफर कर सकते हैं मिक्स सप्लाई में आते हैं मिक्स सप्लाई एक टिक लगा लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी भी देखना हो मिक्स सप्लाई क्या है नॉट नेचुरली बंडल्ड है अब कैसे डिसाइड करेंगे ये वाला यहाँ पे ये यह जो पोर्शन है एग्जाम्पल है यहाँ पे टिक अप लगा लीजिए ये कैसे डिसाइड करेंगे सो so, आज का चैप्टर यहीं पे हो गया थोड़ा लेंदी रहा क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है बहुत डिटेल में अपने को समझना था एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको जैसे ये हम लोगों ने ओपन करके रखा हुआ है लेट्स रिकैप्चुलेट तो मैंने जैसे आपको पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में समझाया है इस क्लास में तो अगर आपने अच्छे से समझाया है तो आपको क्या है ऊपर जो मैंने थोड़ा टिक लगाया है कि ये आप देख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए अभी तो देखने देखेंगे क्योंकि आप समझे हुए हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी भी देखना है तो वहाँ पर टिक लगा सकते हैं एंड आपने अगर अच्छे से आज का क्लास समझ लिया है तो आपको ऊपर का उतना देखने की भी जरूरत नहीं है आपको क्या करना है ये जो लेट्स रिकैप्चुलेट है ना आप इसको सिर्फ देख लीजिए आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा इतना ब्रिलियंटली सी इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है एंड आप बस लेट्स रिकैप्चुलेट पे रखिए आप इसको देखेंगे आप आज की क्लास में जो पढ़े हैं आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आता जाएगा एंड सब कुछ बहुत क्लियर होता जाएगा अगर आप कुछ फ्यूचर में भूले भी आपको यहाँ से याद आ जाएगा एंड कुछ अगर चीज़ ऐसा होता है कि जो भी यहाँ पर बहुत ब्रीफ में लिखा हुआ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप ऊपर में तो ऑलरेडी डिटेल्ड है वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं सो so, होप कि आपने आज का क्लास बहुत इन्जॉय किया होगा बहुत टेक्निकल था थोड़ा लेंदी हुआ बट येस इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं ये बेस है तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आता है एंड आपको इवन फाइनल लेवल पे भी ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा सो थैंक यू सो मच विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे वो भी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं रहेगा टिल देन बाय